सुमनसैव सद्यस्मान् भवादृक् परिचरति कथं तत्पादपद्मन्तु पद्मा यपि बत हृतचेता उत्तम श्लोक जल्पयि। अध्यात्म पक्ष का व्याख्यान हो रहा था कल, जिसमें कहा गया था कि तुम जीव, तुम अधर हो, अर्थात देहादि संघातों में तादात्म्य अभिमानवान होकर तुम निकृष्ट हो गए हो, और भगवान सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु के अंश होते हुए भी, सच्चिदानंद घन परब्रह्म के स्वरूप भूत अंश होते हुए भी, और अनात्म तादात्म्य अभिमान से अनात्मा के साथ तादात्म्य अभिमान करने के कारण तुम अधर हो गए, और इसीलिए कि उस माया का स्पर्श करने से, माया के साथ संबंध जोड़ने से जीव में इस प्रकार की दशा आती है। और जो भगवान है, परमेश्वर है, परब्रह्म है, वो अपनी मोहिनी सुधा को पान करा करके, माने माया को अपनी सत्ता से सत्तावान, सत्तावती, अपनी स्फूर्ति से स्फूर्तमती बनाकर, और उसको त्याग दिया, जहु त्याग दिया। तो इसी प्रकार से तो क्यों ऐसा हुआ, तो वो कहते हैं कि स आसमान न तत्यजे, स आसमान न तत्यजे, तत्यजे को दोनों तरफ लगा। एक तो ये है कि उस माया को त्याग दिया, माया माने माया के प्रति उदासीन हो गए। दूसरी बात यह है कि न आसमान माने श्रुतियों को, हम श्रुतियों को नहीं त्यागा, माने श्रुतियों के प्रतिपाद्य रूप से बने रहे। श्रुतियों का जो प्रतिपाद्य है अजर अमर अनंत अखंड स्वप्रकाश परब्रह्म, तद्रूपता उनकी अव्यक्त सुस्फुट रही, अबाधित रही, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं हुई। और त्वंतु तुमने तो हमको त्याग दिया, माने हमारी प्रतिपाद्यता को, हमारा जो प्रतिपाद्य रूप है, माने श्रुतियों के द्वारा जो प्रतिपाद्य रूप है, उस प्रतिपाद्य रूप को, अनंत चिद रूप को, अखंड बोध रूप को भूल कर अनात्मतादात्माभिमानवान होकर अधर हो गए। इसी में सब अनेक प्रकार के प्रमाण कहे गए। अब अंतिम वही बात थी कि वो पद्मा जो है, वो भी लक्ष्मी जो है, वो भी उसी माया का स्वरूप है। वो तो भगवान के पाद पद्म को निरंतर भजती रहती है, तो त्याग कहाँ बना। इसलिए ननु, नु जो है ननु अर्थ में है, परिचरत कथन तत्पाद पद्मन्तु पद्मा यपि बत हृत चेता उत्तम श्लोक दलपई। कोई लोग नु नु यहाँ जोड़ते, पद्मन नु पद्मा माने उसका ननु अर्थ करते हैं, अर्थात तो वो पद्मा जो है वो भगवान के पाद पद्मों को निरंतर भजती रहती है। तो वो कैसे, तो कहती है बस हृत चेता उत्तम श्लोक जलपई ही। वो लक्ष्मी जो है हृत चेता हुई, अर्थात तो भगवान के उत्तम श्लोक जल्पों से, उत्तम श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण, उत्तम है श्लोक, लोकोत्तर है, उत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है श्लोक यश जिनका, ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र, उनका जो जल्प है माने उनका संकीर्तन है और उनका श्रवण वर्णन है, उत्तम श्लोक के श्रवण वर्णन संकीर्तन आदिकों से हर्त चेता हुई पद्मा, आकृष्ट चेता हुई पद्मा भगवान के पाद पंकज की निरंतर आराधना करती है। यद्यपि तथापि भगवान सर्वथा उदासीन ही रहते हैं, वो सर्वथा उदासीन ही रहते हैं। तात्पर्य यह है कि माया और माया जनित अनंत ऐश्वर्य और
अचिंत्य अनंत कल्याण गुण गण सब कुछ भगवान में रहते हैं, लेकिन भगवान निरपेक्ष हैं। जैसे कि निर्गुणम माम गुणा सर्वे भजन्ति निरपेक्षकम्, ये वचन थे। भगवान कहते मैं निर्गुण हूं तो भी मुझको गुण भजते हैं, मैं निरपेक्ष हूं तो भी गुण सापेक्ष हो करके मेरा आराधन करते हैं। ये तो भगवान का महत्व ही है। भगवान लक्ष्मी निरपेक्ष हो, लक्ष्मी उनके पाद पंकज की आराधना करे। भगवान गुण गुण निरपेक्ष हो और अनंत कल्याण गुण गण उनकी आराधना करें। भगवान भूषण आदि निरपेक्ष हो पर अनंत अनंत भूषण आराधना करके भगवान के मंगल व अंग में संलग्न होने की लालसा करें। ये तो भगवान का महत्व ही है। इस दृष्टि से वो पद्मा भगवान के मंगलमय पाद पंकज का परिचर्या करती है, क्योंकि उत्तम श्लोक जलपई ही उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक के जल्प जो जो कि क्या ना जल्प है कीर्तन श्रवण वर्णन आदि, उसके द्वारा भगवान की आराधना में निरंतर संलग्न रहती है। दूसरी बात समाधान यह है कि वस्तुतः माया या प्रकृति या अचित शक्ति या चित शक्ति कोई भी चीज हो, आखिर उसको रहने को जगह कहाँ है, कहाँ रहेगी, कोई चीज कहाँ रहे। वेदांती इसलिए भी जगत के मिथ्यात्व का प्रतिपादन करते हैं, क्यों कि जगत को रहने के लिए कोई जगह नहीं है। जगत कहाँ रहे, जगत किसी देश में रहेगा, किसी काल में रहेगा। देश काल बिना तो कोई वस्तु रहती नहीं, हर एक वस्तु किसी देश में होती है, किसी काल में होती है। तो देश काल कहाँ है, देश काल कहाँ है, भगवान में। भगवान किसी देश में नहीं है, भगवान किसी काल में नहीं है, किंतु सब देश और सब काल भगवान में, सब देश सब काल भगवान में। अगर भगवान देश में हो तो देश परिच्छिन्न हो जाए, अगर भगवान काल में हो तो काल परिच्छिन्न हो जाए। इसलिए भगवान देश काल के भीतर नहीं समाते, किंतु देश काल ही भगवान के भीतर समा जाते। कैसे, केवल केवल मात्र वाचनिक बात नहीं है, केवल मात्र प्रतिज्ञा मात्र नहीं है, इसकी सिद्धि में साधन भी है। क्या साधन है वो आप देखिए ना, देश स्फुरति काल स्फुरति, देशो अस्ति कालो अस्ति, देश देश और काल अस्तित्व से अनुबिद्ध है, सत्ता से अनुबिद्ध है। सत्ता के बिना देश नहीं, अगर देश में से सत्ता निकल जाए तो क्या कहेंगे, देशा असन, देश असत। अगर काल में से सत्ता निकल जाए तो क्या कहें, काला असन, काल असत। देश में से स्फूर्ति निकल जाए तो क्या कहें, देश स्फूर्ति ही न, देश स्फूर्ति रहित है। अगर काल में से स्फूर्ति निकल जाए तो क्या कहेंगे, काल स्फूर्ति ही न, काल में स्फूर्ति। तो जिसमें सत्ता नहीं, जिसमें स्फूर्ति नहीं, वो भी कोई वस्तु होती, वस्तु तो वही होती जिसकी सत्ता हो, जिसकी स्फूर्ति हो। तो काल और देश की अगर सत्ता माननी है, अगर स्फूर्ति माननी है, तो सत्ता स्फूर्ति काल में देश में कहां से आती है, अनंत सत्ता भगवान से ही देश काल को सत्ता मिलती है। अनंत ज्ञान रूप अनंत स्फूर्ति रूप भगवान के संपर्क से ही देश काल को स्फूर्ति मिलती है। देश स्फुरत काल स्फुरत, देशो अस्त कालो अस्त, इत्यादि जो व्यवहार बनते हैं, ये सब व्यवहार अनंत सत्ता रूप परमेश्वर के संबंध से, अनंत ज्ञान रूप अनंत स्फूर्ति रूप भगवान के संबंध से ये सब व्यवहार बनता है। इसलिए देश काल में भगवान अंतर्भुक्त नहीं है, किंतु भगवान में देश काल अंतर्भुक्त है। अच्छा, जब देश काल भगवान में अंतर्भुक्त है, देश काल अंतःपाती जगत, देश काल के भीतर रहने वाला जगत, ये कहां रहेगा, जब देश काल में तो जगत आ गया और देश काल स्वयं भगवान में आ गए,
तो भगवान में सब देश सब काल और सब देश काल में होने वाली वस्तुएं सब भगवान में ही आ गए। इसलिए सब देश भगवान में, सब काल भगवान में और सब देश काल धरती वस्तु भी भगवान में। किसी भी बात तर्क संगत है, इसमें कोई लचर तर्क नहीं। अब साथ ही ये देख लो, भगवान में सब आ गए पर भगवान में जगह भी है, ये तो सोचो। भगवान में जगह हो तो भगवान में आ जाए। भगवान कोई पोले हैं तो ना, आकाश जैसा पोला है ऐसे भगवान पोले हैं। पोली वस्तु में तो कोई चीज आ जाती है, बांस पोला है, पोले बांस के भीतर रुपया धर दें, पानी धर दें, दूध धर दें, ठीक है पोला है, पोली चीज में आ जाएगी कोई। तो जो पोली नहीं है ठोस स्फटिक, स्फटिक में कोई चीज धरना चाहे कैसे धरोगे, कैसे धरोगे? सुई के भी घुसने को जिसमें गुंजाइश नहीं, जिस ठोस स्फटिक में सुई के भी घुसने की गुंजाइश नहीं, वहां इतना बड़ा देश कैसे घुस जाएगा, इतना बड़ा काल कैसे घुस जाएगा, इतने बड़े देश काल में होने वाली वस्तुएं कैसे घुस जाएंगी, कैसे रह सकती? कहो और जगह कहीं रहे तो और देश काल कोई है ही नहीं, कोई वस्तु रहेगी कहां, किसी देश में किसी काल में? देश काल स्वयं भगवान में है। ऐसी परिस्थिति में जगत के रहने के लिए कोई जगह नहीं है, है जगह भगवान, भगवान में ही जगत है और भगवान में भी उनको रहने के लिए अवकाश नहीं, गुंजाइश नहीं। इसे स्वानुचित देश काल अवस्थायित्वात्, अपने अनुचित देश काल में रहने के कारण जो चीज अपने उचित देश काल में रहे उसको कौन हटाओ? जो अनुचित देश काल में बैठे उसी को हटाते हैं, लो हटो यहाँ तुम्हारे बैठने की जगह नहीं, कहाँ बैठे हो? और जो अपने उचित देश काल में बैठा उसको कौन रोक सकता? तो जगत को क्यों बाधित करती है अनुचित देश काल में? जैसे स्वप्न में, स्वप्न में हम नगर देखते हैं, ग्राम देखते हैं, कहाँ देखते हैं? तो आंख तो बंद है, देखने वाला आत्मा आंख के द्वारा निकलकर बाहर के देश काल को तो देखता नहीं है? निद्रा काल में आंखें बंद, इंद्रियां भी निरुद्ध है, तो भी हम देख रहे हैं, पहुंच गए कलकत्ता, और कलकत्ता का बड़ा 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 बाजार और वो सब नाना प्रकार का उपद्रव वहां का सब देख रहे हैं। तो आंख तो यहां बैठी हुई है और आंख बंद है, मन भी निकला नहीं, इंद्रियां भी निकली नहीं, कलकत्ता की चीज कैसे दिखाई दी? कहां दिखाई देती है? बोले बोले दिखाई देती नाड़ियों के भीतर, नाड़ियों में स्वप्न होता है, शरीर के भीतर जो नाड़ियां हैं अमुक अमुक नाड़ियों में मन प्रविष्ट होता है तो वहीं स्वप्न प्रपंच का दर्शन होता है। जागृत वासना बासित, जागृत अवस्था की वासनाओं से बासित अंतकरण के भीतर, अंतकरण ही जागृत वासना बासित अंतकरण ही जिन जिन नाड़ियों में रहता है वहीं उन्हीं नाड़ियों में नाना प्रकार के स्वप्न को देखता है। उसी नाड़ी के भीतर उसको सुनहरी पहाड़ दिखाई देता है, हिमालय पहाड़ दिखाई देता है, बड़ा समुद्र दिखाई देता है। समुद्र क्यों मिथ्या है? छोटे जगह में इतना बड़ा समुद्र कैसे हो सकता है? छोटी जगह में हिमालय जैसा पहाड़ कैसे हो सकता है? तो अनुचित देश काल भी इतना बड़ा समुद्र, इतना बड़ा हिमालय हो नहीं सकता, इसलिए मिथ्या है। दर्पण में प्रतिबिंब क्यों मिथ्या? तो दर्पण में सूर्य घुसने की जगह नहीं, इतना बड़ा रामनगर, इतना बड़ा बनारस कैसे दिखाई देने लगा दर्पण में? तो वो रामनगर या बनारस के दर्पण के भीतर दिखाई दे रहा है, ये अंतिम देश काल में प्रतीत हो रहा है, इसलिए मिथ्या है। इसी प्रकार से प्रपंच माया, इसके लिए देश काल उचित, कोई उचित देश काल है नहीं। संपूर्ण देश संपूर्ण काल भगवान में ही है, देश कालांतरवर्ती वस्तुएं सब सुतराम भगवान में ही है और भगवान में रहने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि निरवकाश है, छोट है, निर्वर है, इन्हें सुतराम मिथ्या है, असत है। जासु सत्यता के जड़ माया, भास सत्य मोह सहाया। भगवान की सत्यता से जड़ माया में मोह के कारण सत्यता प्रतीत होती है। इन सब दृष्टियों से
इसलिए माया कहाँ रहेगी, अविद्या कहाँ रहेगी, प्रकृति कहाँ रहेगी, अचित शक्ति कहाँ रहेगी, शक्ति कहाँ रहेगी। बीज के अंदर उत्पादन शक्ति बीजों में रहती है, आम की मुफली में आम पौधा को पैदा करने की शक्ति आम की मुफली में ही रहती है, अग्नि में जलाने वाली ताकत अग्नि के भीतर ही रहती है। इसी प्रकार से अनंत अनंत ब्रह्मांड को उत्पादन करने वाली जो शक्ति है, प्रकृति है, अविद्या है, माया है, कहाँ रहेगी? भगवान नहीं रहेगी, भगवान नहीं रहेगी। वो कहेंगे अपना कार्य में रहे तो बात बन गई करके कार्य का कोई कारण होता नहीं, कारण ये कार्य के आश्रित होता है, कारण व्यापक है, कार्य व्याप्त है, व्याप्त के आश्रित व्यापक नहीं रह सकता, कहीं कर्म के आश्रित समुद्र रहता है, कर्म में समुद्र रहता, समुद्र में कर्म रहता है तो ठीक है, तो कर्म में समुद्र रहता कैसे कहेंगे? तो इसे दुनिया से माया का कार्य है, दुनिया में माया कैसे रहेगी? जो माया का कार्य है उसमें माया रह नहीं सकती। पूर्व सिद्ध तमसो ही पश्चिम पूर्व सिंध वो कम है, कार्य वर्ग इतना कार्य वर्ग द्वारा कार्य प्रपंच है, कार्य प्रपंच के पूर्व में ही सिद्ध है कम माया अविद्या शक्ति, इसलिए उसका आश्रय पश्चातभावी कार्य कैसे हो सकता है? पूर्व सिद्ध कम का आश्रय पश्चातभावी कार्य कैसे हो सकता है? पूर्व सिद्ध कारण का आश्रय पश्चातभावी कार्य कैसे हो सकता है? अर्थात कार्याश्रित कारण नहीं हो सकता। इसलिए जीव या जगत या ईश्वर ये कोई भी अविद्या के आश्रय नहीं हो सकते, ये अचित शक्ति माया शक्ति के आश्रय नहीं हो सकते। अपने ही आश्रय रहा ये भी नहीं बन सकता, आत्माश्रय भी नहीं हो सकता, वो वस्तु अपने ही सहारे हुई है ये भी नहीं बने, उसका कोई ना कोई दूसरा आधार होना चाहिए। अपने ही आश्रित माया रहे ये भी नहीं कर सकते, कार्य आश्रित माया रहे ये भी नहीं बन सकता, अपने आश्रित माया रहे ये भी नहीं बन सकता। जो माया स्वाश्रित नहीं रह सकती तो कार्याश्रित नहीं रह सकती, तो और जो कौन चीज है? सुधराम केवल भगवान है, इसलिए केवल भगवान के ही अचित शक्ति रहती है, केवल भगवान में ही माया शक्ति रहती है। इसलिए फिर पद्मा भगवान के पाद पंकज की परिचर्चा करे इसमें आश्चर्य की क्या बात है? दूसरा आश्रय ही क्या है उसका? आश्रय ही क्या है जब अपने आश्रय के दूसरे सुभागिनी निर्विभाग चित्रे केवल निर्विभाग स्थिति ही जीवेश्वर विभाग शून्य स्वप्रकाश स्थिति ही असम देव ही जब उसका आश्रय है, यही उसका आश्रय है तो फिर और कहाँ रह सकती है? इसलिए भगवान के आश्रय करा करके पद्मा भगवान की आराधना करती है। इस दृष्टि से इन सब बातों का समाधान है और आध्यात्म का ये सब है। अब अगले श्लोक की बात सुनो। किमि हो बहु खगंधे गायसित्वं यदूनाम् अधिपति मद्रहाणाम् अग्रतो मत्सुराणम् विजयसख सखीनाम् गीयताम् तत्र संवः क्षपितकुतुरुजस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टाः। असल में आध्यात्मिक अर्थ तो इसलिए वर्णन कर देते हैं तो थोड़ा स्तर में रहती, छोटे स्तर में रहती और बार बार लौकिक बात मन में आ जाती है, इसलिए सुगम और अगमन दुर्गम चरित्र सुन मुन मन भ्रम हो निर्गुण रूप सुगम सगुण न जाने को निर्गुण रूप सुगम ये तो बार दुर्गम निर्गुण कठिन है। भगवान गीता में तो कहते निर्गुण रूप कठिन क्या अब दुखता ही गति दुखम देहवाप्ति क्लेशोधिक परस्तेषाम अद्यक्ता सत्यचेतसाम जिष्टोक्षर निर्देश्यम अव्यक्तम पर्वपाशते पर्वकृगम चिंतन कूटस्थ मतलम ध्रुवम। 12वें अध्याय में गीता के
वर्णन। एक ये है कि भगवान अर्जुन से, भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान जो आपके सदन साकार सचिदानंद घन परम ब्रह्म की उपासना करते हैं और जो आपके निर्गुण निराकार निर्विकार परम ब्रह्म की उपासना करते हैं, दोनों में कौन युक्तम? अच्छे तो दोनों ही, लेकिन दोनों में अत्यधिक अच्छे कौन? तो भगवान ने सीधे सीधे कह दिया, मैं सगुण साकार सच्चिदानंद गण पर ब्रह्म की जो उपासना करते हैं वही युक्तम है, अत्यंत श्रेष्ठ। तो महाराज क्या आपके निर्गुण उपासक श्रेष्ठ नहीं? निर्गुण उपासक श्रेष्ठ नहीं? भगवान ने कहा क्या कहना है, वो तो हमारे रूप ही है, बड़ा कठिनाई है, उसमें मेहनत ज्यादा पड़ती है। तो बिना दांत वाले वेदांति को दांत नहीं है, उसको लोहे का तना चबाने को कह दो कितना कठिन पड़ेगा। कोई कहे चलनी के द्वारा पानी भर कर लाओ गंगा जी का, चलनी के द्वारा गंगा जी का पानी भर कर कैसे लाएंगे? तो इस तरह से निर्गुण ब्रह्म जो है देहवती देहाभिमानी जो तो देहाभिमान देहवान देहाभिमान मान है, उनके लिए तो बहुत ही कठिन असंभव, क्योंकि क्षण भर के लिए मन विकल्प रहित होता ही नहीं। शब्द स्पर्श आदि गुण जात्यादि से रहित मन कभी होता ही नहीं, तब निर्विकल्प अखंड बोध मन में कैसे आए? निर्विकल्प अखंड बोध मन में आए तब निर्गुण उपासना बने। जिस समय आपके मन में कोई विकल्प न रहे, न भाव न पथ न शब्द न स्पर्श न रूप न रस न गंध न अंधकार न प्रकाश न अपेक्षित न अनपेक्षित न विकृत कोई चीज आपकी बुद्धि में न स्फुरित हो जिससे, तब निर्दोष अखंड बोध का स्फुरण। ऐसा कौन क्षण है अगर आप आत्मा को टटोलो अनुभव करो, कोई क्षण ऐसा आता है? इतना मन में शब्द नहीं स्पर्श नहीं रूप नहीं रस नहीं, हाँ नींद में है लेकिन हाँ तो नींद नहीं हो वही करो उपद्रव। नींद ना हो, नींद ना हो, स्वप्न ना हो और अंधकार प्रकाश शब्द स्पर्श आदि कुछ न प्रकाशित हो, उस समय ब्रह्मानुभूति होती है। ऐसी अवस्था बना लो सब तुमको ब्रह्मानुभव का पूरा अधिकार, अवस्था नहीं बनती तब तक कठिन। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई मृगों का तक हमारा रूप ही होता है, उसकी अच्छाई की क्या बात कहें। सूरदास से बादशाह ने पूछा कविता आपकी अच्छी की तुलसीदास जी, सूरदास जी ने कहा हमारी कविता अच्छी, बोले तो तुलसीदास जी की, बोले तुलसीदास जी का तो मंत्र है कविता नहीं, मंत्र मैंने अपनी कविता की प्रबंधा करते हुए भी गर्जवसान कहा, सूरदास जी ने तुलसी की कविता का ही महत्व लाया, कहा उनके तो मंत्र, कविता की बात कहो तो हमारी अच्छी और सूरदास क्या और तुलसीदास की बात पूछते हो तो उनका तो मंत्र। तो इसी प्रकार से उपासना उपासना की बात पूछते हो तो तुम सगुण साकार सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म की उपासना से होते राम निर्गुणोपासक की बात बोलो तो हमारे स्वरूप ही है, उनकी क्या पूछते हो? हाँ लेकिन कैसे परस्ते शाम क्लेश उसमें भरत देहवान देहाभिमानी प्राणी के लिए निर्गुण उपासना बहुत दुस्साध्य कठिन है। एक दृष्टि से तो ये है और दूसरी दृष्टि से निर्गुण रूप सुलभ आती, सगुण में जाने को निर्गुण रूप सुलभ एक रूप है, उसमें कोई रद्द बदल करो ना होता, एक रूप है तो समझ लिया से समझ लिया। तो सगुण रूप तो तुम माला मनाना चाहिए, कहीं तो राजा धराज महाराज शहनशाह चक्रवर्ती नरेंद्र राघवेंद्र सिंहासनासीन है, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, शिव जी भी स्तुति कर रहे हैं, वेद भी स्तुति कर रहे हैं, कुबेर भवन भी स्तुति कर रहे हैं, उस समय राम की अनंत ब्रह्मांड नायकता सुस्फुट, जिन रूप वो है कि नाग पास में राम फंसे हुए, नाग पास में राम फंसे हुए और लक्ष्मण भी फंसे हुए हैं और बेहोश है, वो स्मरण नहीं रणांगण में पड़े हुए हैं, जैसे बंदर पड़े हुए हैं एक तरफ भालू एक तरफ पड़े हुए हैं, किसी तरह से राम भी एक तरफ नाग पास में बने हुए पड़े हुए हैं, अंग प्रत्यंग बाणों से क्षत विक्षत हैं और रुधिर की धारा अंगों
अपने प्रसन्नों से निकल रही है और नाग पास में जकड़े हुए हैं, जरा सा भी जीवन की आशा नहीं है। और सीता को रावण ने भेजा जाकर देखाओ, तो पुष्पक जानकर जाकर के सीता राम को देखती है, देख करके हाय हाय क्या हो गया, जो किसियों ने हमको भेजा होना तो नहीं बताया था, बड़ा सुलक्षण बतलाया था और बतलाया था कि तुम पति के साथ सिंहासन पर अभिषिक्त होगी, इनका कोई ऐसे हो गया देहांत हो गया, आप कैसे क्या करें। तो त्रिजा समझाती नहीं नहीं नहीं, इनके लक्षण देखो, इनके मुख पर प्रसन्नता है, मुख पर दिव्य आभा प्रभा कांति है, मृत व्यक्तियों में ये आभा प्रभा कांति नहीं होती, इसलिए मरे नहीं हुए हैं, नहीं तो रण में ऐसी बात हुई कर दी है, कुछ घबराओ नहीं तुम इसी बात कर। इस तरह से जो त्रिजा ने समझा बुझा करके सीता को आश्वासन आश्वस्त किया, तो आने इस रूप को देखकर गुरु बिचारे को भ्रांति हो गई, जो भगवान का सेवक है, वैकुंठ वासी है, प्रतीक्षण भगवान के साथ रहता है, सखा है भगवान, जिसको एक सपना सखा मानते हैं, उस गरुड़ को भी भ्रांति हो सकती है भगवान के रूप में, तो दूसरों को भ्रांति क्यों न हो जाए। इस प्रकार से सगुण रूप जो है, जहाँ ये भगवान अनंत ब्रह्मांड नायक है, तहां पूरे गोपांगना उन भगवान को ऐसा गालियां सुना रही है, ये सुन गए तो ही क्या क्या मामला है, कैसा ब्रह्म भाई, ये कैसा ब्रह्म, ये कैसी रूपसी मंत्री भगवान की अनंत भक्ता, ये तो भगवान में कितने दोषारोपण कर रहे हैं, ऐसी भ्रांतियां हो सकती हैं। तो इसीलिए बीच बीच में भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन, भगवान की अखंडता अनंतता ब्रह्मता का वर्णन, इसीलिए आध्यात्मिक व्याख्यान भी बीच बीच में किया जाता है। हाँ, तो प्रकृत प्रसंग में उद्धव जी गए हैं भगवान का संबोधन, देश लेकर के उद्धव गए हैं ब्रज में, आनंद यशोदा से रात्रि भर वार्तालाप किया, अपना ज्ञान विज्ञान भगवत भक्ति को खूब चर्चा की और दोनों ने खूब आनंद लिया रात भर, और अंत में सवेरे स्नान ध्यान करके उद्धव जी देखा गोपांगना लोग एक जगह बैठी, उन्होंने एकत्रित होकर, क्योंकि समान सुख दुख वाली लोग, समान सुख है समान दुख है, ऐसी गोप सीमंतनी अपरिगणित एक दो में, कोई श्रुत रूपा है, कोई ऋषि रूपा है, कोई चल पदार्थ रूपा है, कोई तत्पदार्थात्मिका है, अनेक प्रकार की गोपांगना है, वो गोप सीमंतनी भगवान श्री कृष्ण के विप्रयोग जनती वृताप में समर्थ हुई, बड़ा वेदना से व्याकुल हुई हुई एकत्र एक जगह में वही उद्धव जी पहुंच गए। उद्धव जी का सम्मान किया, उद्धव जी को दिखलाया, उद्धव जी बैठ गए वहां, और गोपांगनाओं ने बहुत सी बातें कुछ कही सुनी, राधा रानी वृषभान नंदिनी नित्य मुकुंद ईश्वरी चुप रहे, तो अंत में एक मधु पाया, भ्रमर आया, वो भ्रमर जो है राधा रानी के मंगलमय पादार बिंद को स्पर्श करने लगा, कुछ गुंजार करने लगा, मधुर मधुर गान करने लगा, तो राधा रानी उसी को संबोधित करते हुए ये बोली, मधुर के तय गंधो मास पुषांग इत्यादि सब चल रहा, तो उसी भी प्रगला आया कि बहु खदंभे गायसित्वं जदूनाम, देखा तो वो जो खदंभी है भ्रमर है, भ्रमर जो है गुंजार कर रहा, गुंजार कर रहा, तो राधा रानी कहती है हे सदंगे तुम क्यों बहुत गा रहा, क्यों हरिगुण गान कर रही है, मदन मोहन श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र का मंगलमय कर्म पवित्र चरित्र का गान कर रहे हैं, क्या दे जाए। तो वो कहती है कि हे सदंगे तू ब्रज में गान करता है, ब्रज में तो लोग भगवत प्रयोग जन तीव्र ताप से संतप्त होकर रुदन कर रहे, रो रहे, रोने वाले के बीच में गाना गाना ये तो पागलपन है, यहाँ तो सब भगवान श्याम सुंदर मगर मोहन कृष्णचंद्र ब्रजवासियों के सर्वस्व और छिन गए, ब्रजवासियों के सर्वस्व मदन मोहन श्याम सुंदर श्री कृष्ण उनसे छिन गए, अपने कृष्णचंद्र परमानंद कल्ल की दियो
जल तीव्रताप में संतप्त होकर सब ब्रजवासी रो रहे हैं, ब्रजांगना ब्रज सीमंतनी रो रही है। उस बीच में तुझे रोना चाहिए, तू न रो करके गान कर रहा है, ये तेरी विवेक शून्यता का लक्षण। इसलिए रोदन जहां उचित है वहां गान करना अत्यंत अनुचित। और फिर एक बार गान कर लिया, ये बहुत रोदन थे, बहुत बहुत गान कर रहा है, बहुत गान कर रहा है। अच्छा माना, ठीक है, गाना ही करना हो तो उपशम का गान गाओ। शोक संतप्त प्राणियों के सामने कोई शोक निवारण के अनुकूल गान गावे तो फिर भी जग जाता है। जैसे कोई शोकाकुल हो, अब उसके सामने अयोध्या कांड के रामायण का गान करे तो बात समझ में आ जाएगी, हाँ ठीक है। या महाभारत का शांति पर्व का गान करे, शांति पर्व का, ये बिचारे बड़े संतप्त थे युधिष्ठिर जी, बड़े बड़े उनके बंधु बांधव सब मारे गए, अभिमन्यु मारा गया और पंचपुत्र मारे गए सबके, और बड़े बड़े सगे संबंधी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण युधिष्ठिर दुर्योधन सभी सगे संबंधी भाई भतीजे सब मारे गए। तो बंधुओं के मित्र जन तीव्रताप से संतप्त होकर के युधिष्ठिर महाराज बड़े व्याकुल थे। उस समय शांति पर्व का जो उपदेश है, दान है, वो शांति का जनक है, उसको सुनकर के मन में शांति हो। ऐसा कोई गान गाओ उठी, किंतु तुम तो ऐसा गान गा रहे हो क्षतोक्षारमेव क्षिपसि, किसी घाव पर कोई मोन छिड़क, घाव पर मोन छिड़ गए, ऐसे तुम तो गान गा रहे हो जो हमारे मदन मोहन है, हमारे श्याम सुंदर है, हमारे ब्रजेंद्र नंदन है, वो गोपिका भीषण है, वो गोपेंद्र कुमार है, जो भगवान गोपेंद्र कुमार है, नंद नंदन है, ब्रजेंद्र नंदन है, उनको तुम तो गोपति कहकर गा रहे हो। गोपति बहु गदंगे गायसे तुम जदूनाम अधिपतिम, जदूनाम अधिपति गायसी, जदुओं के अधिपति को तुम तो गा रहे। गोविंद कुमार का गान करो, नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन का गान गाओ, गोपिका बल्लभ राधा मोहन के मंगलमय गुणगान करो तो कुछ शांति मिले, सुख भी हम लोग। तुम तो खसे क्षार मुख्यपति, जैसे भाव पर कोई मोहन छिड़के, ऐसे हम ही कृष्ण के संताप से संतप्त हैं, हमारा सर्वस्व निधि छिन गई, अब उस हमारी निधि को तुम कहते हो तो यदू नाम अधिपति, तो यदुओं के अधिपति है, तुम्हारे नहीं, गोपिका बल्लभ नहीं है, राजा प्राण बल्लभ नहीं है, राजा रवण नहीं है, वो तो मेरे पति यदुओं के अधिपति है, ये कह करके गा रहे हो तो ये गान तो अनुकूल नहीं। इसलिए कहते सडन हुए, अरे दो पांव वाला होता है द्विपाद मनुष्य, चार पाद वाला होता है चतुष्पाद, चतुष्पाद माने पशु, पशु होता है विवेक शून्य। दो पांव वाला मनुष्य विवेकी, चार पांव वाला पशु विवेक शून्य, तू तो छा पांव वाला है भाई, छा पांव वाला, चतुष्पाद का विवेक शून्यता और खटपाद का विवेक शून्यता और कितनी होगी, तो चतुष्पाद भी नहीं खटपद। इसलिए माने कहना देवा पशु, देवा पशु, खाली पशु नहीं देवा पशु, पशु में जितना अविवेक होता उसे देवा अविवेक तुझ में। इसलिए तो बिना समझे बिना विचारे गान कर रहा है। अथवा ये शंकर कहता है, भ्रमर कहता है, क्या करूं मेरा गान स्वभाव, गान करना तो मेरा स्वभाव,
आप देखो जहां जाता हूं गाते रहता हूं, किसी पुष्प के पास जाऊं चाहे कमल के पास जाऊं चाहे मल्लिका मालती जाती जूतिका के पास जाऊं और चाहे कनेल के फूल के पास ही जाऊं, कहीं जाऊं मैं तो गाता ही रहता हूं गाना स्वभाव। तो क्या करूं मैं जा नहीं सकता अन्यत्र, जाने में असमर्थ है। तो गले खडन हुए, दो पांव वाले लोग भी चल लेते हैं, चार पांव वाले भी चल लेते, तू तो छह छह पांव वाला है, जाने में क्यों असमर्थ है? छह छह पांव होते हुए भी जाने में असमर्थ है, कैसी बात करता? किमि हि बहु खडन हुए गायसित्वं जदूनाम। अच्छा बोल, तू गाना ही चाहता है तो ये बता किसके लिए गान करना चाहता है, स्वार्थ या परार्थ? स्वार्थ गान करना चाहता है या परार्थ गान करना चाहता है? स्वार्थ गान करना चाहता है तो अग्रहाणाम महा, अग्रहाणाम महा अग्रतः किम बहुबायसी। अरे भाई जो गानोपजीवी हैं, गान गा करके जो अपना जीविका चलाते हैं गानोपजीवी, उनका नाम गानोपजीवी, गान गा करके अपनी जीविका चलाते, तो गानोपजीवी गानोपजीवी है, गान करके कुछ चाहता है तो हमसे क्या मिलेगा? हम तो अग्रहण तो ग्रहणी ग्रहण उच्चते, कई जगह कहते न ग्रहण ग्रह मित्याहु, ग्रहणी ग्रह मुच्यते, घर घर नहीं, घर को घर नहीं कहते, ग्रहणी को घर कहते, ग्रहणी जो है पत्नी वही घर है, इसलिए पत्नी छोड़ दिया तो बोले अब अग्रह हो गए, ग्रह रहित हो गए, और पत्नी पत्नी है तो भले घर छोड़ के बाहर बाहर घूमो जाजाबर बन जाओ, जाजाबर ये जो होते हैं वो जगह जगह लिए हुए घूमते रहते हैं बंजारा लोग, तो वो घर घर नहीं है तो भी वो सब गृहस्थी घर कहलाते हैं, क्योंकि क्या गृहणी साथ रहती, गृहणी साथ रहती है, इसलिए गृहणी ग्रह मुच्य तो गृहणी ग्रह, तो अग्रहाराम माने त्यागित गृहणी भावाना, हमारा जो गृहणीत्व तो है उसको तो मदन मोहन श्याम सुंदर ने छुड़ा दिया, श्याम सुंदर मदन मोहन की ही तो गृहणी थी हम, और तो किसी की गृहणी थी नहीं, बताया था ना गोप तो आभास आभास मैं पति, वास्तव में पति नहीं, वास्तव में तो पति भगवान पर ब्रह्म श्री कृष्ण ही गोपांगनाओं के पति, गोपिका बल्लभ ब्रज सीमंतनी नायक भगवान श्याम सुंदर ही गोपांगनाओं के पति, उन्होंने हमको त्याग करके हमारा गृहणी भाव जो है उसको तो उन्होंने छुड़ा दिया, अब अग्रहणाम त्यागित गृहणी भावानाम न अस्माकं पुरतः, गृहणी भाव जिनका खत्म हो चुका है ऐसी हम गोपांगनाओं के पास गाने से तुझको क्या मिलेगा, क्या मिलने की आशा? अथवा ये अर्थ है कि अग्रहाराम माने अपनी दशा का वर्णन करती, अग्रहाराम माने ग्रह, दो ग्रह होता है, एक तो अपना ग्रह हमारा, अपना ग्रह हमारा जहां पैदा हुई जहां ग्रही गई, जहां पैदा हुई वो हमारा घर, या जहां ग्रही गई वो हमारा घर, सो अपनी बंशी बजाकर अपनी मोहिनी बंशी के द्वारा अपने मुखचंद्र सुमधुर मुखचंद्र के सुमधुर अगर सुधा के द्वारा बंशी रव के द्वारा हमारा वो पूर्व ग्रह तो उन्होंने छुड़ा दिया, पूर्व ग्रह तो छुड़ा दिया, इसलिए माता पिता का ग्रह और लोक सिद्ध पतियों का ग्रह वो तो हमारा छुड़ा दिया, अब हमने सर्वस्व कृष्ण चंद्र परमानंद कर्ण मदन मोहन को मानकर उन्हीं का आश्रय किया, तो अपने ग्रह में उन्होंने बसाया नहीं,
हमारा ग्रह छुड़ा दिया, अपने ग्रह में बसाया नहीं। कितो भ्रष्टा सतो भ्रष्टा, इधर से भी गई उधर से भी गई, अपना कुल कुटुंब भी छोड़ा, लोक परलोक भी छोड़ा। श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद का ग्रहण किया, उन्होंने भी अपनाया नहीं, उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया और छोड़कर मथुरा धाम चले गए। ऐसी परिस्थिति में अग्रहाराम मारे मार्गे स्थिताराम, घर तो है ही नहीं, रास्ता पर खड़ी, घर तो है ही नहीं, प्राचीन ग्रह नहीं, नवीन ग्रह नहीं, मदन मोहन श्याम सुंदर का घर भी नहीं। ऐसी परिस्थिति में अग्रहाराम ग्रह बिधुराराम, स्वग्रह स्वग्रह पतिग्रह बिधुराराम, स्वग्रह पतिग्रह से बिधुर मार्गे स्थिताराम, मार्ग में स्थित है और मुट्ठी में चना दे करके भी अतिथि का सत्कार नहीं कर पाती। तो एवं भूतानाम न अस्माकम अद्भुतः बहुकायसी किल्ल रसे, हम लोगों के सामने तो बहुत दान कर रहा है, क्या मिलेगा? मिले सके आपसे नहीं मिलेगा, दूसरी को कामनाओं से मिल जाएगा। इसलिए न बहुवचन बोले अग्रहाराम न, हम सभी तो ऐसी हैं, जितने मेरे से मंत्री है, जितनी गोपांगना है, सभी तो ऐसी हैं, तो तुझको क्या दे सकेंगी? कुछ नहीं दे सकेंगी, तो इसलिए हमारे सामने ये तुम्हारा गान निरर्थक गान व्यर्थ है, क्यों तुम ऐसा प्रयास कर रहे? और साथ ही साथ ये कि बहुखंडे गाय से त्वन जदूनाम अधिपति मग्रहाणाम अधिपति मग्रहाणाम अग्रतो नुरा। ये भी है कि तुम इस प्रकार से कोई लाभ नहीं उठा सकते, परार्थ गाओ कोने परोपकार के लिए गा रहे, धर्मार्थ गा रहे, परोपकार के लिए गा रहे, परोपकार का भोग हमको उससे सुख हो, मदन मोहन का गान सुन करके हमको सुख हो, तो तुम्हारा परोपकार भी हुआ और तुमको धर्म भी हुआ, लेकिन हमको तो सुख नहीं होता है? क्यों भाई? बात यह है कि अस्माभिः पूर्वम बहुधा श्रुतस्य, तुम तो कृष्ण को गा रहे हो, हम तो कृष्ण को अनुभव किए बैठी। गाने का चमत्कार वहां होता है जहां कोई नई बात सुनाओ, विस्मय का है जिससे विस्मय हो, आश्चर्य हो, जो गीत आश्चर्यजनक हो, जो गीत विस्मयकारक हो, कथा भी जो विस्मयकारक हो उसी में लोगों का मन लगता। सामान्य कथा कौन सुने, बहुत बात सुन चुके हैं। तो विस्मय विस्मयजनक कोई गान हो, अद्भुत गान कोई हो, तो उससे कोई आकृष्ट होता है और प्रसन्न होकर कुछ दे भी सकता है। हमारे यहाँ तो मदन मोहन श्याम सुंदर यही थे, कोई उनको निरंजन कहे लेकिन उनकी आंखों में अंजन तो हमारी नंदरानी लगाया है। जिनके आंखों में अंजन हमारी नंदरानी में लगाया उनको कोई निरंजन कहे, जिनका रोना गोप से मंतनियों ने देखा, नंदरानी ने देखा, उनको कोई कहे वो तो निर्विकार हैं, तो कोई कैसे मानेगा? तो मदन मोहन श्याम सुंदर कृष्णचंद्र का हमने बहुधा अनुभव किया, दर्शन किया, श्रवण किया, उनके सारी लीलाओं को स्वरूपों को सांगोपांग अनुभव किया, हमारे सामने उनका गुणगान को विस्मयावह नहीं, विस्मयकारक नहीं, अद्भुत नहीं, इसलिए यहां कोई चमत्कार नहीं होगा तुम्हारे गान का। माने वस्तुस्थिति यह है कि ये वास्तविक बात तो यह है कि भगवान का गुणगान, भगवान का चरित्र, भगवान का स्वरूप बारंबार श्रवण करने से भी उसमें लोकोत्तर उत्तरोत्तर आकर्षण होता है, उसमें लोकोत्तर विस्मय होता है, क्षण क्षण नवीनता भाषित होती है। उत्तम पुरुष भगवत गुणगान करते हैं, भगवत गुणगान श्रवण करते हैं, तो उनको प्रतिक्षण भगवत स्वरूप में लोकोत्तर चमत्कार अनुभूत होता है, आश्चर्य अनुभूत होता है, विस्मय जनकता भी अनुभूत होती है। वस्तु स्थिति यही है।
तथापि ये तो दोषा अनुसंधान कर रही है, ये वेतांगना तो ईर्ष्या बसात असूया बसात दोषा अनुसंधान करती है, लुगुण भी दोषा अनुसंधान कर रही है। इसलिए कहती है तुम लोगों ने कृष्ण का सहस्रों बार अनुभव किया, उनके गुणगणों को अनुभव किया, उनकी लीलाओं का अनुभव किया, इसलिए हम पर उसका कोई चमत्कार नहीं तुम्हारा पड़ेगा, इसलिए यहाँ गाना व्यर्थ है। इसलिए कहा पुराणम माने हमारे लिए कृष्ण नए नहीं पुराने, कृष्ण का चरित्र हमारे लिए पुराण हो गया नया नहीं, तो नई चीज गाओ तो कुछ आए, कुछ आनंद आए, कुछ आकर्षण हो। यह पुराणम पुराण है कृष्ण, बहुत पुराण, बहुत पहले का अनुभूत अग्रतो न पुराणम। फिर भी गाना होता तो तुम राधा बल्लभ के रूप में गाते, राधा रमन के रूप में गाते, गोपिका नंदन के रूप में गाते, ब्रजेन्द्र नंदन के रूप में गाते, गोपेंद्र कुमार के रूप में गाते, तो हम सब लोगों के मन में कोई चमत्कार होता और हम लोग जो है तुम्हारी पूजा भी करते और तुमको कुछ अर्पण भी करते। लेकिन ग्रहाणाम महापुरता जदूनाम अधिपति गायसी, हम ग्रहहीनों के सामने, स्वग्रह परग्रहहीनों के सामने तुम जदुओं की अधिपति को, जिसके कारण देखो ना, जिसके कारण हम स्वग्रहहीन हुए परग्रहहीन हुए, हम घर द्वार से रहित हो गई, जिनके कारण हमारा घर द्वार छूट गया, माता पिता का घर छूट गया, पति का घर छूट गया, और जिसके लिए सब छोड़ा उनका भी घर न मिला, ऐसी परिस्थिति में ऐसी दैवीय दशा में अगर तुम फिर भी उन्हीं का गुण दान करते हो, जिन जजुओं के संबंध से भगवान ने हम सबको छोड़ा, उन्हीं जजुओं के अधिपति रूप में उनका दान करते हो, तो ये हमको कैसे अनुकूल प्रतीत। इसलिए इसमें कोई परोपकार भी नहीं होगा, धर्म भी नहीं होगा, धर्म में कभी हो तो हमको सुख हो, हमको सुख ही नहीं होगा तो धर्म कैसे होगा तुमको। तो कहता है भ्रमर क्या करें, श्याम सुंदर को ब्रज बहुत प्रिय, हमारे श्याम सुंदर सखा कृष्ण को ब्रज बहुत प्रिय, उन्होंने हमको भेजा है, हमने भी आकर ब्रज का दर्शन किया और बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। तो इसलिए फिर ब्रज में रह करके और अपने सखा का जदुपति कृष्ण का गुणगान करना हमारा तो यही संकल्प है, इसलिए हम तो ब्रज में ही गान करेंगे। तो कहते अच्छा गान करना ही है तो करो, पर अग्रहाणाम न पुरता किम होगा ऐसी, अरे गाना ही है तो ब्रज में हम ही थोड़ो ना है, और जगह जाओ, ब्रज में हम ही थोड़ो ना है, जहां तक हमारा कान जाता है कृपा करके वहां से आगे चले जाओ, हमारे कानों में तुम्हारा शब्द न सुनाई पड़े, ऐसी जगह चले जाओ जहां से तुम्हारा शब्द हमारे कानों में न पड़े, बस इतना ही मतलब है। इसलिए ब्रजई में रह करके तुमको भगवत गुणगान करने का संकल्प है तो चले जाओ गोवर्धन पर्वत पर, उन्हें गुणगान करो, ठीक है, हमारे कानों में क्यों अपना अनपेक्षित गान सुनाते। इसलिए किमि बहुकडंग्रे गायसि त्वं जदूनाम अधिपतिम बहाणाम अग्रतो न पुराणम। हम देखो यही कर, जहां भगवान के गुणगान के लिए बड़े बड़े जोगींद्र मुनिन्द्र अमलात्मा परमहंस लालाई करे, भगवत गुणगण श्रवण के लिए, भगवत गुणगण वर्णन के लिए सर्वत्याग करके, सर्वत्याग पूर्वक भगवत परायण होते हैं, और गोपांगनाओं का भी जो भगवान कृष्ण सर्वस्व, गोपांगनाओं का प्राणनाथ है, गोपांगनाओं का प्रियतम है, गोपांगनाओं का सर्वस्व, उन कृष्णचंद परमानंद कन्न मदन मोहन के उस गान को ये अनिष्ट से कह रहे हैं। अनिष्ट क्यों? बात ये नीति है कि
जिनका जिनके साथ अभेद संबंध है, जो क्षण मात्र के लिए भी वियोग सहन नहीं करती, जिनके लिए लिखा क्षण जुग सतमेव जासां येन बिना भवत, एक क्षण भी जिनके लिए भगवान के वियोग में 100 युग के तुल्य बीत जाता, एक क्षण भी कृष्ण के वियोग में 100 युग के तुल्य बीतता, कृष्ण के दर्शन में कल्प कल्प भर भी क्षण जैसा बीतता, कृष्ण के दर्शन में कल्प का कल्प क्षण जैसा बीत जाए, कृष्ण के वियोग में क्षण भी कल्प के तुल्य बीते। जिन्होंने अपने कंठ से हार निकाल दिया, हार क्यों बोले, कृष्ण प्राणनाथ प्रीतम कृष्ण के आलिंगन में ये हार बीच में पड़कर बाधक हो, हार निकाल दी, हारो नारो पुतक कंठे, प्रिय विश्लेष भी रुणा, प्रीतम के विश्लेष के भय से मैंने कंठ में हार नहीं पहना, प्रीतम सम्मेलन में ये हार बाधक होगा। उन्हीं कृष्ण और गोपांगनाओं के बीच में यमुना पड़ी है, यमुना कहा हार का मध्य में हार होना भी असह्य था, कहा बीच में यमुना जैसी नदी पड़ी हुई, अब उनके सामने कृष्ण का गुणगान करना ठीक घाव पर नून छिड़कना, घाव पर नून छिड़कना, इसलिए उनको वो बाण कट लगे ये आश्चर्य नहीं, सीधी सी। तो अब रहा ये तुम यदि कहो कि स्वार्थ नहीं परार्थ गान कर रहे हैं, कल विकल्प का स्वार्थ गाते हो परार्थ गाते हो, स्वार्थ गाते हो तो यहाँ कोई लाभ होने की संभावना नहीं, स्वार्थ गाना व्यर्थ, परार्थ गाते हो तो परार्थ वही है जो धर्म धर्म अपेक्षित होता, परोपकार अपेक्षित होता, तो परोपकार होता नहीं है, हमको जो इष्ट ही नहीं है, जो हमको अभीष्ट ही नहीं है उसको बार बार सुनाना कौन सा परोपकार, जो हमको अभीष्ट ही नहीं है हमको कान में सुनाना दुख देना उल्टा पाप करना है तो उल्टा धर्म करना, ये धर्म कर रहे हो तुम पाप कर रहे हो। इस नीति से किमिह बहु खडंगे गायसि त्वं जदूनां अधिपतिम ग्रहाणां अग्रतो नः पुराणम्। सगंधे का एक कई टीकाकारों ने एक और विचित्रार्थ किया, बोले सत्सु दर्शने सु अंग्री, छह दर्शनों में जिसका पाद है माने जिसका संचार अवक्र गति अभी गतल, तो माने छह दर्शनों में जिसकी अबाध गति है अवक्र गति है वो तो अंग्री, छह दर्शनों में जिसकी जिसकी अबाध गति है अवक्र गति है वो खडंगी। उद्धव के प्रति, उद्धव दार्शनिक है, महान दार्शनिक है, वेदांत दर्शन जाने, सांख्य दर्शन जाने, योग दर्शन जाने, नैयायिक न्याय दर्शन जाने, वैशेषिक दर्शन जाने, पूर्वोत्तर मीमांसा का दर्शन जाने, खडंगी तो इतने खडंगी हो, बड़े चतुर हो, बड़े चतुर हो करके और उस प्रकार का विवेक का काम कर रहे हो, अथवा सबसे सबसे विषय छह जो विषय हैं, पंच ज्ञानेंद्रियों के विषय और एक मन का विषय, सबसे विषय से अंधे ही जस्य छह विषयों में जिसका संचार शब्द स्पर्श रूप रस गंध और सुखादि सुख दुख आदि छह विषयों में जिसका संचार है वो सदंगुरी। तो अर्थात कहने का मतलब जो जो सडंगरी है मानो स्वार्थी है विषयी है वो तो यहाँ ब्रज का रहस्य ब्रज का मर्म ब्रज के भावुकों की भावना नहीं जान सकता, नहीं जान सकता, तो उसके द्वारा यहाँ कुछ गान कोई संगत नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं। इस प्रकार से वो पांगना उस सडंगरी महूब के प्रति अपना भाव व्यक्त करती, इन्हीं बहु खडंगे गायसि त्वं जदूनां अधिपति मद्रहाणां अग्रतो नः पुराणम्।
तो क्या करें? मानो देखा हमारा ऐसा डांटने से नंबर थोड़ा हट गया क्रिया विभाग, तो फिर धीरे धीरे गान का तार उसको धीरे से होता है, कभी कभी भंवर जोर जोर से गुनगुनाने लगता है, कभी थोड़ा धीरे धीरे बोलने लगता है, तो थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा तो थोड़ा दया आ गई, बोले आई कमर हे कमर आओ आओ, हमको तुम पर द्वेष नहीं है, जानते हैं तुम गानों पर जीवी हो, गान विद्या से अपनी जीविका चलाने वाले हो, तो गान विद्या से जीविका चलाने वाले हो, तुम गान कर रहे हो, कोई बात नहीं, द्वेष तुमसे कोई द्वेष नहीं है, आओ हम तुमको बताती हैं, जहाँ तुमको कुछ मिले वहां भेजें, जहाँ तुमको कुछ मिल सके वहां भेजें, कहाँ मिलेगा? बोले विजय सख सखी नाम, विजय सख सखी नाम, अरे श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन की जो सखियां हैं, जो उनके पास रहने वाली सखियां, रुक्मिणी हुई, सत्यभामा हुई, जाम्बवती हुई, लक्ष्मणा हुई, सत्या हुई, ये जो विजय सख की सखियां हैं उनके पास जाओ और वहां गान करो, जदुओं के अधिपति कृष्णचंद्र परमानंद गंध का गान, रुक्मिणी प्रवृत्ति जो विजय सख की सखी हैं उनके पास गाओ, तो कल्पयन्ति इष्टमिष्टाः, वो सब कृष्णचंद्र परमानंद कंद के द्वारा परम सम्मानित, कृष्णचंद्र परमानंद कंद के द्वारा रुक्मिणी प्रवृत्ति भगवान की सखियां अत्यंत सम्मानित, वो कल्पयन्ति इष्टम, वो तुम्हारे इष्ट को तुम्हारे अभीष्ट को पूरा करेंगे, क्योंकि जिसने पुरुषार्थ प्राप्त कर लिया वही तो कुछ दूसरों को दे सकता, जिसने पुरुषार्थ ही नहीं प्राप्त किया वो क्या देगा जिसने, तो इसलिए वो रुक्मिणी सत्यधामा लक्ष्मणा प्रवृत्ति तो बड़ी सौभाग्यशालिनी है, मदन मोहन श्याम सुंदर कृष्णचंद्र थे हमारे, थे ब्रजेंद्र कुमार, अब हो गए क्षत्रिय कुमार, थे नंदन नंदन, अब हो गए वसुदेव नंदन, पर नंदन नंदन शब्द जितना जमता है उतना वसुदेव नंदन जमता है क्या? जमता ही नहीं, यशोदा नंदन, नंदन नंदन, ब्रजेंद्र नंदन, गोपिका बल्लभ, राधा बल्लभ, राधा रमन, ये नाम जितने प्रिय लगते हैं सीधे लगते हैं उतना वसुदेव नंदन, देवकी नंदन, तो कड़ा जगता है थोड़ा बहुत देवकी नंदन जमता है, लेकिन और जो है वो तो इस तरह से, तो वो लोगों ने बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त किया, ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन कृष्ण को प्राप्त कर लिया और कृष्ण द्वारा परम सम्मानित हैं, परम आदृत हैं, वो इष्टम कल्पयिष्यन्ति, वो तुम्हारा जरूर अभीष्ट सिद्धि करेंगे, तुमको बहुत कुछ देंगे, तुम वहीं जाओ, यहां मत जाओ, वहीं जाओ, क्योंकि था इष्टाः श्री कृष्ण है ना, इष्टाः श्री कृष्ण से अत्यंत इष्ट है, मैंने पूजित है, अभ्यर्थित है, सम्मानित है, अथवा तुया इष्टाः तुम्हारे द्वारा सम्मानित होकर तुम वहां जाकर क्या गाओ, तो बता देते हैं क्या गाओ, यही गाओ कथा कि भगवान मदन मोहन श्याम सुंदर कृष्णचंद्र थे तो गोपिका पति, थे तो राधा रमन, राधा बल्लभ, ब्रज सीमंतनी पति थे, परंतु उनको छोड़कर मथुरा चले आए और रुक्मिणी बल्लभ हो गए, सत्यभामा बल्लभ हो गए, ये गोपिकाओं का पराभव वर्णन करके, गोपिकाओं का दुर्दशा वर्णन करके, जब रुक्मिणी प्रवृत्तियों का सौभाग्य वर्णन करोगे, सौत का दुर्भाग्य वर्णन करके और उसका महत्व वर्णन करो तो बड़ी प्रसन्नता होगी, तो इसलिए गोपांगनाओं का दुर्दशा वर्णन करके फिर रुक्मिणी प्रवृत्ति का लोकोत्तर सौभाग्य वर्णन करोगे,
इस वर्णन से बड़ी प्रसन्न हो जाएंगी और प्रसन्न होकर के तुमको बहुत धन देंगे, बहुत तृप्त कर देंगे। इसलिए एवं तया इष्टा सम्मानिता सत्य इष्टम अभीष्टम कल्पयंती, अत्यंत अभीष्ट संपादन करें। सत्यको तो रजस्ता, क्योंकि उन लोगों का जो हृदय की पीड़ा, हृदय की पीड़ा, मनोज जनित हृदय की पीड़ा, वो पीड़ा उनकी खर्पित हो गई है, नष्ट हो गई। श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रज नंदन के संपर्क से भगवान की पादारविंद की नखमण चंद्रिका की एक छटा को निहार करके अनंत कोटि कंदर्प दर्प का, अनंत कोटि कंदर्प का दर्प दमित हो जाता है, दांत हो जाता है, बाधित हो जाता है। तो उन श्री कृष्ण को अनंत कोटि कंदर्प के दर्प को दलन करने में जो पटियान कृष्ण, उन कृष्ण का दर्शन पाकर, उन कृष्ण का स्पर्श पाकर, उन कृष्ण को आलिंगन करके, कृष्ण के द्वारा, पुरुषोत्तम कृष्ण के द्वारा अपने उरस्थल को अलंकृत करके और उनके द्वारा उनका जो उरोज का पीड़ा है, व्यथा है, रुजा है, रुजा नष्ट हो गई है, व्यथा नष्ट हो गई है, इसलिए निरुज होकर, निरुज होकर, सुप्रसन्न होकर, शांत हृदय होकर के और वो तुम्हारा बहुत इष्ट अर्पित करेंगी और हम लोगों का तो रुझा निरंतर बढ़ती जा रही है। रक्ताप कृष्ण के वियोग में, कृष्ण का दर्शन भी नहीं हो पाता, कृष्ण के चरण पंकज का स्पर्श भी नहीं हो पाता, कृष्ण के मंगलमय अंग का संस्पर्श तो दूर की बात रही, तो हम लोगों का तो रक्ताप, हृदय का जो ताप है वो निरंतर बढ़ता जाता है। तो इसलिए हमारा तो पीड़ा प्रशांत नहीं हुई, मानसिक व्यथा प्रशांत नहीं हुई, हम तुमको क्या दे सकते। पर जिनकी व्यथा दूर हो गई है वही लोग तुमको प्रसन्न होकर के तुम्हारा अभीष्ट सिद्धि करेंगे। इसलिए विजय सख सखी नाम गीयतां तत्प्रसंग चकित कुतु रजस्ता कल्पयंती इष्टमिष्टा। एक बात है, वो एक ही बात है, विजय विजय सख, ये क्या मतलब विजय सख। तो कहते हैं विशेषेण ज्योतिष विजय कृष्ण सहेव सखा, सहेव सखा, इसलिए जो है क्या नाम विजय सखा, माने कृष्ण भगवान विजय पर विजय, विजय पर विजय प्राप्त करते रहते हैं। कंस को मारकर कंस पर विजय पाया, मथुरा पर विजय पाया, रुक्मिणी हरण करके शिशुपाल आदिकों का दर्प दलन किया, जरासंध का दर्प दलन किया और अनेकानेक राजाओं को जीत कर, जैसे अर्जुन ने अलक्ष का भेदन करके द्रौपदी को स्वयंवर में प्राप्त किया अर्जुन ने, उसमें ऐसा था कि एक कराह बड़ा भाई कराह पर ऊपर मछली लटकाई हुई थी और वही एक सूत्र था, उसी सूत्र पर आरूढ़ होकर और ऊपर मछली को न देखते हुए उसी कराह में मछली की छाया देख करके और बाण से मछली को विद्ध कर देना, ये था प्रण। ये जो करे वही द्रौपदी को वरण करे, द्रौपदी को वरण करने की ही शर्त थी, तो किसी में सामर्थ्य नहीं थी। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े सूर वीर प्रतापी योद्धा आए, किसी में ये सामर्थ्य नहीं थी। अर्जुन ने हिम्मत किया लेकिन द्रौपदी ने कहा ये शूद्र है, शूद्र से हम विवाह नहीं करेंगे। कर्ण ने हिम्मत किया तो जो कर्ण को शूद्र कह करके उसने अपमानित कर दिया। अर्जुन ने क्रोध किया, वो वीरता अर्जुन ने दिखलाई। उसी प्रकार से लक्ष्मणा के विवाह में भी वही सब शर्त थी। लक्ष्मणा जो थी भगवान की पटरानियों में एक पटरानी थी लक्ष्मणा, लक्ष्मणा के भी स्वयंवर में ही शर्त थी। उसी प्रकार से मत्स्य का वेध करना था, मत्स्य का वेध करके
जो जो विजयी हो वही लक्ष्मण का पाणि ग्रहण करे, तो भगवान ने वो किया। इस प्रकार से सर्वथा विजय प्राप्त करने वाले और विजय अर्जुन जैसा विजय प्राप्त करने वाले और भगवान श्री कृष्ण वही सखा, वो विजय रूपी सखा, उन सखा की जो सखियां, उन सखियां माने एवं एवं विजय प्राप्त करके जिन्होंने लक्ष्मणा प्रवृत्ति सखियों को प्राप्त किया है, उन लोगों के सामने तुम जाकर के ये गुणगान करो। अथवा उसका वो अर्थ है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, विजय सखा जस रसा एवं भूता कृष्ण विजय सखा, विजय ही कृष्ण का सखा, विजय माने जीत, जीत जो है जितना जीत हो, जीत पर जीत होती रहे, विजय होती रहे, विजय ही कृष्ण का सखा। तो विजय है सखा जिसका, ऐसा जो कृष्ण उनकी सखियां, माने कोई सखियां ऐसी होती हैं कि जिसका विजय हो उसी की भक्त, जिसकी विजय हो उसी की भक्त, और जिसकी हार हो जाए उसकी भक्त नहीं रहे, जिसकी विजय हो उसी की भक्त होते हैं ना। कई लोग विजय के दिन के साथी होते हैं, हिटलर का जब तक विजय पर विजय होता रहा, हिटलर का विजय पर विजय होती रही पर हिटलर के बहुत साथी थे, और हार होने लगी तो विजय के हिटलर के साथी भी हिटलर के साथ छोड़ छोड़ करके भगने लगे। तो ऐसी दुनिया का स्वभाव है कि जिसकी विजय होती जाए, जीत पर जीत होती जाए, उसके सब साथी बनते जाते हैं। इंदिरा जीत गई उसके बहुत साथी हो गए, तो पुरानी कांग्रेस संगठन कांग्रेस हार गई उसके साथी जब अलग होते गए निकल गए, कहा कितने 400 एमपी होते थे, अब उसके बिचारे के अब की रह गए जो 15 रह गए, और उसमें भी वो निकलते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से हार में कोई साथी नहीं होता, जीत में सब साथी होते हैं। तो विजय है सखा जिसका एवं भूत जो कृष्ण की सखी, माने विजयी कृष्ण की सखी, जब कृष्ण विजयी हो तब की जो सखी वो विजय सखी है। हम लोग तो स्वाभाविक सखी हैं, हम लोग की तो अनन्य निष्ठा है, हम पर कोई विजय का असर नहीं पड़ता। माने तात्पर्य यह है कि कई लोगों की प्रीति तो प्रियतम के विजय की अपेक्षा से होती है, और हम लोगों की प्रीति स्वाभाविक है। वो एक श्लोक है ना, वो पंगना करती है कि कृष्ण जो है असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनाम्बरो वा द्वेषी मयि स्यात् करुणाम्बुधिर्वा कृष्णस्य एवाद्य गतिर्ममायम्। मेरे श्याम सुंदर, मेरे कृष्ण चंद्र चाहे बड़े सुंदर हो और चाहे कम सुंदर हो, जो केवल सुंदरता का उपासक है उसके सामने कृष्ण से और भी कोई सुंदर अगर आ जाए तो कृष्ण को छोड़ करके दूसरे के भक्त बन जाएंगे। तो गोपांगना कहती हम नहीं, हमारे तो कृष्ण चाहे असुंदर हो, चाहे सुंदर शेखर हो, चाहे सुंदर शिरोमणि हो और चाहे बिल्कुल सुंदरता रहित हो, असुंदर सुंदर शेखरो वा अगुणैर्विहीनो गुणिनाम्बरो वा, हमारे कृष्ण चाहे सर्व गुण गणों से रहित हो, चाहे अनंत कल्याण गुण गणों के धाम हो, हर हालत में हम तो कृष्ण की भक्त। असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनाम्बरो वा दूसरी मैस्या, ये भी शर्त नहीं कि कृष्ण भी हमसे प्रेम करते हो तो हम प्रेम करें, ये शर्त नहीं। भले वो हमसे प्रेम करते हो, भले हमसे द्वेष करते हो, तो भी कृष्ण सेवाद्य गतिर ममायम, मेरे तो ध्येय गे परमाराध्य सर्वस्व कृष्ण ही है। वे द्वेष करते हो तो, प्रेम करते हो तो, सुंदर हो तो, असुंदर हो तो, गुणगणों से रहित हो तो, गुणगणों से सहित हो तो, मेरे सर्वस्व वही है। ये जिनकी निष्ठा है तो उनको विजय, वो विजय की सखी नहीं है, विजय सख की सखी नहीं है उनको। ये तो जो लोग ऐसे स्वार्थी हैं, बदलने वाले हैं, दल दल बदल
जो दल बदल वाले हैं, परिस्थिति देखकर दल बदल देते हैं, दिल बदल देते हैं, वो ऐसा जिनका दिल बदल जाता है, दल बदल जाता है, उनके सामने ये गुणगान करो, हम पर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए गुए सच सकी नंगीयताल श्री राम जय राम जय। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती, जिस बुद्धि से भी अमृत पी लो, अमृत को अमृत न जानो और पी लो, तभी क्या होगा, अमृत प्राप्ति हो जाएगी। बिना जाने भी अमृत को अमृत बिना जाने भी पी लोगे तो भी अमृत मिलेगा, और विष को बिना जाने भी पी लोगे तो भी मृत्यु होगी। मैं नहीं वस्तु शक्ति ज्ञान अपेक्षा से, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती, अर्थात ज्ञान अन्यथा भी हो ना भी हो तो भी वस्तु शक्ति का चमत्कार होता है। तो प्रभावी क्यों नहीं हो, वहां भी तो वस्तु शक्ति है। तो इसलिए कहा वहां सावरण ब्रह्म है या निरावरण ब्रह्म है, वहां सावरण ब्रह्म है या निरावरण ब्रह्म है, क्योंकि पुत्र आदि ब्रह्म तो है पर आवरण ब्रह्म माया रूपी आवरण से ढके हुए, माया रूपी आवरण से ढकी हुई सावरण ब्रह्म, और कृष्ण जो है निरावरण ब्रह्म, उनमें आवरण नहीं है, ढकना नहीं है, सत्व है यदि तथापि सत्व ढकता नहीं। सूर्य और आग के बीच में बादल आ जाए तो सूर्य का रूप ढक जाएगा, दीवार आ जाएगी तो सूर्य का रूप ढक जाएगा, पेड़ आ जाए वृक्ष आ जाए तो सूर्य का रूप ढक जाएगा, पर आंख और सूर्य के मध्य में चश्मा आ जाए तो सूर्य का रूप ढकता नहीं, स्वभाव है। बादल के बीच में आया ढक दिया स्वरूप को, दीवार आई सूर्य के स्वरूप को ढक दिया, तो चश्मा आया उसे नहीं ढका, क्यों, ये स्वच्छ है, स्वच्छ है। इसी प्रकार से भगवान का जो सत्व है वो शुद्ध सत्व, वो आवरक नहीं, ढकता नहीं, स्वरूप को छिपाता नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण चंद्र परमानंद कंद में अखंड अनंत परात्पर परम ब्रह्म में जो लीला शक्ति है, विशुद्ध सत्व है, वो बादल की तरह वृक्ष की तरह ढकने वाला नहीं है, चश्मा की तरह दूरवीक्षण यंत्र की तरह रूप को व्यक्त करने वाला और दिव्य रूप में प्रकट करने वाला। इसलिए भगवान कृष्ण के न जान करके भी भजो तो भी, कृष्ण को न जान करके भी भजो तो भी बेड़ा पार कल्याण हो। इसलिए किसी ने कृष्ण को पति मानकर भजा, किसी ने कृष्ण को पुत्र मानकर भजा, किसी ने कृष्ण को शत्रु मानकर भजा, किसी ने कृष्ण को मित्र मानकर भजा, जैसे तैसे जिस किसी ने भजा उस सबका बेड़ा पार, सबका कल्याण हो। लेकिन पशुपुत्रादिकों में तो ज्ञान हो जाए, अधिष्ठान का साक्षात्कार हो जाए, कल्पना बाधित हो जाए, तक सब ब्रह्म है। इस तरह से दिव्य का तुम्हारे ही आत्मा नहीं है किंतु सबके आत्मा, सब तुम्हारे पुत्र नहीं है सबके पुत्र, और आत्मा है सबके पुत्र भी है, आत्मज भी है और आत्मा भी है सबके पुत्र, पौत्र प्रपौत्र जो कुछ भी दुनिया में है सब ब्रह्म ही कृष्ण ही, और सबका आत्मा भी है, और पिता माता सहीश्वर, सबका पिता सबका माता, भगवान सबका माता सबका पिता सबका ईश्वर सबका पुत्र सबका आत्मा। ये दृष्टि धारण करो, ये नंद बाबा को यशोदा रानी को उपदेश कर रहे, और वास्तविक इसका अर्थ अंतर अर्थ तो यही है कि वस्तु दृष्टिया ये है कि सदसन मिश्र योनि में सत्व तम की दृष्टि से वास्तव में कृष्ण न किसी के माता है, न पिता है, न पुत्र है, और न उनके लिए कोई उत्तम है न अधम है, और न कोई प्रिय है न अप्रिय है, और इस दृष्टि से सर्वातीत है गुणातीत है कृष्ण, लेकिन वही अचिंत्य दिव्य लीला शक्ति के योग से, विशुद्ध सत्व के योग से पर भगवान पुत्र भी होते हैं, और उस दृष्टि से वस्तुतः तुम्हारे पुत्र हैं, असाधारण रूप से तुम्हारे पुत्र हैं, और वो भी तुमको माता पिता मानते हैं,
और वही जो जैसे तुम्हारी कृष्णचंद्र परमानंद करने में पुत्रत्व की भावना है, उसी तरह से उनकी तुम्हारी में पितृत्व भावना है। इसलिए उद्धव को भेजा है कि पितरोर नव प्रीति माँ बह, हमारे पिता माता नंदरानी नंदराय उनको उद्धव तुम जाकर के सुख पहुंचाओ, इसी तरह से उनको शांति दो। अर्थात ममता से कृष्ण व्याकुल नंदरानी के दुख से, नंद बाबा के दुख से, ब्रजवासियों के दुख से और गोपांगना जनों ब्रज सीमंतनी जनों के विरह ताप से भगवान कृष्ण संतप्त हैं। इसलिए इन सबको शांति पहुंचाने के लिए और उन्होंने हमको भेजा, ये भी आंतरिक अर्थ है। दृष्टं श्रुतं अब वही बताया, सबके आत्मज भगवान है, सबके आत्मा भगवान है, सबके माता पिता भगवान है, सबके ईश्वर भगवान है, इसी को पुष्ट करने के लिए अगला वचन। दृष्टं श्रुतं भूत भवद भविष्यत् थाष्णुश्चरिष्णुर्महदल्प कंच विनाच्युतात् वस्तुतरान्न वाच्यम् सैव सर्वं परमार्थ भूतः। महान वेदांत का जो उत्कृष्ट स्वरूप है वो कहते नंद बाबा कि दृष्टं श्रुतं, जो देखते हो, जो सुनते हो, जो भूत हो गई बीत गई बात, जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होने वाली है, जो स्थावर है, जो चरित्र जन्म है, जो महान है या जो छोटा, सब कुछ कृष्ण ही है, सब कुछ भगवान ही है। जैसे महासमुद्र ही तरंग बन जाता है, छोटे छोटे तरंग, बड़े बड़े तरंग, सब महासमुद्र ही बन जाता है। तरंग है क्या? महासमुद्र है। महासमुद्र में जो बूढ़े बलूले बड़ी बड़ी तरंगे, छोटी छोटी तरंगे, सब क्या है? समुद्र ही है और कुछ नहीं। इसलिए श्रुति कहती है तज्जलादित शांत उपासीत सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलादित शांत उपासीत। सब कुछ ब्रह्म है। कैसे ब्रह्म है? बोले तज्जलान तस्मात् जातं तज्जं तस्मिन् लीयते तल्लं तस्मिन् अनित चेष्टते तल्लं तज्जं तदनं तज्जं च तल्लं च तदनं च तज्जलान। सारा जगत तज्ज है, परमेश्वर से उत्पन्न है। तस्मात् जातं तज्जं परमेश्वर से उत्पन्न है, इसलिए सारा जगत तज्ज है, तल्ल है, माने परमात्मा में लीन होता है सारा जगत, इसलिए तल्ल है। तदनम परमात्मा में अनित चेष्टते परमात्मा में ही व्यापारवान होता है, इसलिए तदनम। तो तरंग समुद्र में पैदा हुआ, समुद्र में टिका रहा और समुद्र में लीन हो गया। समुद्र में पैदा हुआ, समुद्र में लीन हो गया और समुद्र में टिका रहा। तरंग क्या है? समुद्र ही है, तो समुद्र से अलग क्या? तरंग के भीतर बाहर मध्य में पानी हटा दो, क्या रह जाएगा? तरंग कुछ नहीं रह जाएगा। कटक मुकुट कुंडल से सोना निकाल दो, क्या रह जाएगा? कटक मुकुट कुंडल। मिट्टी के घड़े में से मिट्टी हटा लो, क्या रह जाएगी? मिट्टी। सूतों से बने हुए कपड़े में से सूत सब निकाल लो, कपड़ा क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। इसी तरह से अखंड सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म से ही सारा विश्व प्रपंच उत्पन्न होता है, उन्हीं में स्थित होता है, उन्हीं में लीन होता है। इसलिए सारा विश्व प्रपंच वो दृष्टम श्रुतम, जो देखा जाता है वो, जो सुना जाता है वो, और जो भूत बीत गई बात वो, जो वर्तमान में है वस्तु वो, जो भविष्य में होने वाली वस्तु है वो, जो स्थानु है स्थिर है वो, और जो चरित्र चंचल जन्म है वो, और महान जो है आकाशादि कालादि जगादि वो, और अल्प जो है तरण पिपीलिका चीटी आदि वो, बिना अच्युतात वस्तु तरान्न वाच्यम। बिना अच्युत के भगवान परात्पर परब्रह्म विष्णु कृष्ण के बिना
ऐसा वस्तु न बाच्यम, वस्तु तरह न बाच्यम, ये कोई भी वस्तु बिना कृष्ण के बिना अच्युत के है ही नहीं। सये सर्वम परमार्थ भूत, अर्थात इस दृष्टि से कहा कि अधिष्ठान को लेकर के ही कल्पित की सत्ता का व्यवहार होता है। अधिष्ठान की उपेक्षा से कल्पित वस्तु का सत्व व्यवहार नहीं हो सकता। जासु सत्यता पे जड़ माया, जासु सत्य इव मोह सहाया। जड़ माया में और जड़ माया के कार्य में जो सत्यता प्रतीति होती है, जो स्फूर्तिमत्ता प्रतीति होती है, वो सब जिसकी सत्ता से माने अधिष्ठान भूत पर ब्रह्म की सत्ता से ही माया और माया के कार्य में स्फूर्ति और सत्ता प्रतीत होती। रज्जु की स्फूर्ति से ही सर्प की स्फूर्ति, रज्जु की ही सत्ता से सर्प की सत्ता। अधिष्ठान सत्ता अतिरिक्ता वा कल्पित सत्ता वा अनंगीकारा, अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त कल्पित की सत्ता अंगीकृत तो नहीं है वेदांत शास्त्र में। इस दृष्टि से बोले इसलिए अच्युताद बिना वस्तु तरान न बाच्यम, अच्युत के बिना कोई वस्तु सुतराम नहीं है, बिल्कुल नहीं। उस अर्थ में सुतराम के अर्थ में तराम, सुतराम कोई भी वस्तु अधिष्ठान के बिना सुतराम अबाच्य। इसलिए सही सर्वम भगवान ही सब कुछ परमार्थ भूत, सब कुछ भगवान, सब कुछ भगवान है भाई। तो फिर लोभी कहे पर हमारा धन भी ब्रह्म ही है, लोभी कहे हमारा धन ब्रह्म है, कामी कहे हमारी कामनी ब्रह्म है, पुत्र रागी कहे हमारा पुत्र ब्रह्म है, तो फिर क्या नून पिटकरी खर्च न हो, ब्रह्म ज्ञान पूरा हो गए, ये कहता। इसलिए कहा परमार्थ भूता, अर्थात बाल सामाना वितरण, बाल सामाना वितरण की ओर संकेत है। वो जगत प्रपंच को बाधित करके सर्वम ब्रह्म, सर्प भी हो रज्जु भी हो दोनों कैसे रहे, सर्प भी रज्जु भी दोनों कैसे रहे, या तो सर्प रहेगा या रज्जु रहेगी, एक ही वस्तु है सामने। अब उसको कई कहता सर्प, कोई कहता रज्जु, वास्तव में है क्या, तो रज्जु है जिसमें रज्जु रज्जुत घर निर्णय हो गया रज्जु है तो सांप नहीं है, सांप मिट जाता है। ऐसे जिसमें अधिष्ठान वस्तु का प्रबोध होता है इसलिए सारा संसार बाधित हो जाता है, मिट जाता है। मरु मरीचिका का बोध हो जाने पर पानी की कल्पना खत्म हो जाती है, जग जाने पर स्वप्न का जगत मिट जाता है, आंख खुल जाने पर जग जाने पर स्वप्न का जगत मिट जाता है। जैसे अधिष्ठान भूत पर ब्रह्म के बोध हो जाने पर विश्व प्रपंच मिट जाता है, बाधित हो जाता है। तो इसलिए न कामी की कामनी रही, न लोभी का धन रहा, और न कहीं पुत्र बत्थला का पुत्र रहा। ये सब तो बाधित होने के बाद अखंड सच्चिदानंद घन ब्रह्म है ये स्थिति। इसलिए सैव सर्वम पर वैसे नहीं परमार्थ भूत, परमार्थ दृष्टि से सारे प्रपंच को बाधित करके एक अधिष्ठान भूत परमेश्वर ही सिद्ध रहता है। एवं निशासा भ्रगुतोर्वतीता, इस तरह से ज्ञान की चर्चा करते करते नंद बाबा यशोदा और उद्धव जगते जगते रात बीत गए। न इनका ज्ञानोपदेश के बाद व्यवहार खत्म हुए, न उनका शोक खत्म हुआ। नंद बाबा का यशोदा का न तो पुत्र विप्रयोग जन तीव्र ताप मिटा, और न इनका उपदेश का पारंपर्य मिटा, चलते ही रहे। वो भी कुछ पूछते रहे, ये भी कुछ करते रहे, बस इस तरह से ज्ञान चर्चा करते 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 रात बीत गई। एवं निशासा भ्रगुतोर्वतीता,
नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन, कृष्णानुचरस्य उद्धवस्य, कृष्ण का अनुचर जो उद्धव परमात का पुरुष साक्षात बृहस्पति का शिष्य साक्षात कृष्णचंद परमानंद कंद का परमानंतरंग सखा, बड़ी बात चातुरी से कृष्ण विषय प्रेम शिथिल करने की कोशिश की नंद बाबा को, यशोदा रानी को, जो श्री कृष्ण विषयक लोकोत्तर प्रेम है, अनुराग है, ये कुछ कम हो तो इनको तो ही शांति मिले। तो बड़े पाप चातुर्य का प्रयोग करने पर भी उद्धव जी समर्थ नहीं हुए उनके महान अनुराग को किंचन मात्र भी शिथिल करने में, प्रत्युत और वो प्रेम समुद्र उनका उत्ताल तरंगों से युक्त हो करके ज्वार को प्राप्त हो गए। समुद्र ज्वार आ जाए, ज्वार ऐसे उस प्रेम रूपी महासमुद्र में ज्वार आ जाए और उत्कट प्रेम और बढ़े। कृष्ण के भी प्रयोग में बड़े संतप्त हो। असल में बात तो उद्धव की गलती है, व्यवहार की दृष्टि से भी ममता रत सन ज्ञान कहानी, अत लोभी सन व्रत बखानी। अत लोभी से वैराग्य का उपदेश करो, ऊसर बीज बे फल जथा, ऊसर पे जैसे बीज बोने का फल होता है वैसे अत्यंत लोभी से वैराग्य की बात करना, बड़ी ऊंची ऊंची बैराग की बात करना और लोभी कर दे तो कुछ असर नहीं। ऐसे जिसको अति ममता, भले इनकी तो ममता बड़ी पुण्य उपाय, नंद बाबा की ममता तो बड़ा पुण्य, कृष्णचंद्र परमानंद कंद की प्रति ममता होनी तो जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के पुण्य पुण्यों का फल। मैं सेवक रघुपति पति भोरे, अस अभिमान जाई जन भोरे। ये ममता, मैं रघुपति का सेवक हूँ, रघुपति मेरे स्वामी है, इस प्रकार का जो ममता है ये ममता तो जन्म जन्मांतरों के पुण्य पुण्य से मिलती है, इस ममता की बात तो अलग है। लेकिन वैसे भी कोई ममता वाला हो, किसी को अपने पुत्र में बड़ी ममता हो, पति में बड़ी ममता हो, पत्नी में बड़ी ममता हो, अब उसको ज्ञानोपदेश करना व्यर्थ होता। जैसे ऊसर में बीज बोने का फल, जैसे ममता रत सन ज्ञान कहानी, ममता रत से ज्ञान की कहानी करना व्यर्थ। इसीलिए वेदांत कहता है साधन चतुष्टय संपन्न हो तब ब्रह्मोपदेश करो। साधन चतुष्टय हो माने नित्यानित्य वस्तु का विवेक हो, अलौकिक पारलौकिक विषयों से पूरा पूरा वैराग्य हो, शांति हो, इंद्रिय निग्रह हो, मनो निग्रह हो, तपस्या हो, उपरति हो, व्यवहार निवृत्ति हो, मोक्ष की उत्कट कामना हो, ये सब हो तब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करो। तब सर इन योग्यताओं के बिना ज्ञान का उपदेश करना हानिकारक है। इसलिए उपनिषदों में एक वचन है, अज्ञस्याल्प प्रबुद्धस्य सर्वं ब्रह्मेति जो वदेत महान्रे जालेषु सतेन विनिवेशितः। अज्ञ के लिए और अर्ध प्रबुद्ध के लिए, अर्ध बुद्ध के लिए जो सर्वं ब्रह्म का उपदेश करता है वो मानो उसको नरक में भेजने की तैयारी करता है। माने सर्वं ब्रह्म हरेक से मत बोलो, जो उसका अधिकारी हो उससे बोलो। अज्ञ और अल्प प्रबुद्ध को सर्वं ब्रह्म कहना मानो उसको नरक भेजने का इंतजाम करना। इसलिए अधिकार का प्रश्न है। साधन चतुष्टय संपत्ति हो, विवेक हो, वैराग्य हो, शांति दांति उपरति शिक्षा श्रद्धा समाधान हो तब ब्रह्मोपदेश। नंद बाबा जिनको साक्षात कृष्णचंद्र परमानंद कंद में पूर्ण ममता है, पूर्ण प्रेम है, तो और जगह की तो ममता छुड़ाई भी जा सकती है, पर दुनिया की ममता त्याग करके जिसमें ममता की जाती, संसार से ममता छोड़कर भगवान में ममता की जाती, उन्हीं भगवान में जिनकी अनंत ममता है, अखंड ममता है, इस ममता के त्यागने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता।
तो इसलिए इनको उस समय जो ब्रह्मोपदेश है उन्हें अर्थक जाएगा। इसलिए गोपांगनाओं को भी आगे कल परसों चलेगा तो गोपालन गोपांगनाओं को ब्रह्मोपदेश किया। गोपांगनाओं ने मखौल बना लिया उद्धव की, उद्धव का मजाक बनाया। तो इसलिए जहां अधिकार हो वहां उपदेश करना चाहिए। ये प्रेमी हैं, प्रेम के अधिकारी हैं, इनके सामने कृष्ण का गुणगान करो, कृष्ण का चरित्रामृत वर्णन करो, कृष्ण के मंगलमय गुण गणों का वर्णन करो, स्वयं भी स्वाद लो, इनको भी स्वाद दो, ये तो ठीक है, पर इनके सामने ज्ञान विज्ञान की ऊंची चर्चा करना ये एक प्रकार से ऐसा ही है जैसे कि संतप्त कड़ाह में रखे हुए संतप्त तेल में थोड़ा सा पानी डाल दिया, पानी डाल दोगे तो और वो अग्नि हो जाएगा सीधा सीधा। इस दृष्टि से एवं निशासा प्रभतोर व्यतीता नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन गोप्य समुत्थाय निरुक्त दीपान वास्तून समभ्यर्च विभिन्न मंथन। इतने प्रातः काल हो गया, गोपांगनाएं भिन्न भिन्न घरों में सब उठी और उठ करके दीपक जलाए, दीपक जलाए, वास्तु देवता की पूजा किया, वास्तु देवता की पूजा करके और दधि मंथन करने लगी, दधि मथने लगी, दधि मथने लगी। तब फिर अब ये दूसरे ढंग की कथा आ रही है, अब यही कथा का विश्राम। श्री राम जय राम जय। दीपान वास्तून समभ्यर्च दधि निमंथन ब्रज की गोपांगनाओं ने प्रातः प्रातः सवेरे उठकर दीपक जलाकर मांगलिक रूप में वास्तु देवताओं की अर्चना किया और दधि मथने लगी। ता दीप दीप्तर मणिभुत देहु रज्जूर विकर्षद भुजुकम कणस्रज चलन तमस्तनहार कुंडल तुसत कपोलारुण कुंकुमानना। पिछले वस्तु तराम का कई टीकाकारों ने पृथक पृथक अर्थ किया, इसीलिए नितराम का एकांश माना है तराम, नितराम मानी ही क्या नाम सुधर स्वामी ने अर्थ किया, नितराम माने सत्यन्न अच्युताद बिना वस्तु नितराम तात्विकम न भवति। अच्युत भगवान के बिना अधिष्ठान भूत अच्युत भगवान को छोड़कर ठाकु चरिष्णु महत अल्पक कोई भी वस्तु तात्विक नहीं, नितराम माने कोई वस्तु वास्तविक नहीं, तात्विक नहीं। और किसी ने न के साथ जोड़ दिया नितराम, ऐसे वेद में उपसर्ग कहीं होता है धातु कहीं होती है, उसी प्रकार से आर्ष दृष्टि से नतराम माने अच्युताद बिना वस्तु नतराम वाच्यम, अच्युत को छोड़ करके कोई वस्तु वस्तुता है ही नहीं। ये इस तरह से नतराम या नितराम जोड़ने से उसका अर्थ स्पष्ट होता है। तो जगदीश श्री कृष्ण के वियोग जन तीव्रताप में ब्रजमात्र संतप्त है और उसी दृष्टि से उद्धव जी के उपदेश का कोई असर नंद बाबा पर नहीं, यशोदा रानी पर नहीं पड़ा। उन्होंने यही समझा कि गर्गाचार्य महाराज ने कहा नंद की तुम्हारा कुमार कृष्ण
नारायण कान से नारायण समा नारायण के तुल्य नारायण। तो गर्गाचार्य ने कृष्ण को नारायण कहा और हम लोगों ने अनुभव भी किया, बकासुर का वध किया, अघासुर का वध किया, काली नाग का संहार किया, कंस जैसे भीषण प्राणियों का संहार किया। तो लोकोत्तर कार्य जो कार्य मनुष्य नहीं कर सकता, पहाड़ को अपनी करुणी पर उठा लेने की सामर्थ्य मनुष्य में कहा, पर कृष्ण ने गोवर्धन आदि को गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठ का पर कमजोरी पर रखा, 7 दिन तक अतिदल रूप से खड़े रहे, संपूर्ण ब्रज और ब्रजवासियों की रक्षा किया। ये सब ईश्वर के ही लक्षण, ईश्वर में ही संभव होते। और इसलिए ये तो उद्धव जी की बात समझ में नहीं आती कि न किसी के पिता है, न माता है, न बंधु है, न सखा है, न उनका कोई है, न वो किसी के है। ये तो बात नहीं, ये बात ठीक है को नारायण है, परमेश्वर है और अनुग्रह करके हमारे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए, हमारे पुत्र हैं। और हम लोगों का भी, नंदरानी का, यशोदा का, हमारा उनमें पुत्र भाव है और उनका भी पुत्र भाव है, वो भी पुत्र भावना से ही व्यवहार करते। इसीलिए अनुशासन, वात्सना, डांट आदि सब कुछ सहते रहे। गड़बड़ किया तो नंदरानी ने उनको उलूखल में बांध दिया और कहीं मिट्टी खाई तो लेकर छड़ी दोनों हाथ एक हाथ में पकड़कर धमकाने लगी। तो ये सब उन्होंने पितृ बुद्धि से ही सब सहन किया, नंदरानी को मां मानकर। और फिर जब नंदरानी ने बांधा तो उनके मुख में कुछ मरानी आ गई, हमने खोल दिया, छुड़ा दिया, गोद में ले लिया, तो बड़े प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से उन्होंने पूर्ण रूप में पितृत्व पितृभाव का पूरा पूरा निर्वाह किया। और इस समय उनका लालन करते हैं, प्यार करते हैं, आलिंगन करते हैं, चुम्बन करते हैं और क्या नाम है, चरबी तांबूल उनके मुख में देते हैं, तो बड़े प्रसन्न होते हैं। और कभी नहीं करते, लालन नहीं करते, प्यार नहीं करते, तो मुख मिलान हो जाता है। इन सब दृष्टियों से स्पष्ट मालूम है कि श्याम सुंदर, कृष्णचंद्र, नारायण जरूर है, नारायण जरूर है, परमेश्वर जरूर है। तो परमेश्वर होते हुए भी इसी तरह से जन्मांतर के पुण्य पुण्य से, इसी जन्म से हमारे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं, हमारे पुत्र। और पुत्रोत हमारा भी व्यवहार है और वो भी पुत्रोत व्यवहार, पूरी पितृवत व्यवहार करते हैं, माता पिता जैसा व्यवहार करते हैं। किंतु क्या करें, मथुरा में फंस गए, मथुरा में चले गए। अब वहां वसुदेव ने कहा हम तुम्हारे पिता हैं, देवकी ने कहा हम तुम्हारी माता हैं, किसी ने कहा हम तुम्हारे पितृ हैं, किसी ने कहा हम तुम्हारे भाई हैं। और सब लोगों ने अलग अलग निमंत्रण करना शुरू किया, आज हमारे यहाँ निमंत्रण, कल हमारे यहाँ निमंत्रण, परसों हमारे यहाँ निमंत्रण। अब उस निमंत्रण के गोरखबंधु में तो फंस गए वहां। शील स्वभाव उनका सुशील ऐसा स्वभाव है कि किसी की उपेक्षा और किसी का अपमान नहीं करना चाहते। इसलिए हमारे ही पुत्र हैं तो हमको ही माता पिता मानते हैं। तो भी इस प्रकार से मथुरा निवासियों के इस षड्यंत्र से वो मथुरा में रुके हुए। ये नंद बाबा सारा उपदेश उद्धव जी का सुन सुना करके इस निश्चय पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचे।
कहा कि उद्धव तो बालक है। नंद बाबा ने समझा उद्धव तो बालक है, बुद्ध पंडित है, बड़ा चतुर है, समझदार है, पराक्रम तो बालक। ये मेरे पुत्र का परम गंभीर भाव समझता नहीं। उन्होंने उपदेश तो किया, हम पर ब्रह्म है, हम परमेश्वर है, हमारा कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई बंधु नहीं, कोई सखा नहीं, कोई आत्मीय नहीं, कोई परकीय नहीं, हमारी दृष्टि में कोई अधम नहीं, कोई उत्तम नहीं। ये मेरे पुत्र का एक गंभीर आशय, तो क्या आशय? उन्होंने घोषित किया, क्योंकि सभी लोग उनको अपना अपना कह रहे हैं। वो कहते तू हमारे पुत्र है, हम कहते हमारे पुत्र है, वो कहते हमारे बंधु है, गोपगण कहते हमारे बंधु है, तो क्या करें? तो कहा भैया हम किसी के नहीं, न किसी के माता, न किसी के पिता, न किसी के बंधु, न किसी के सखा, न किसी के परकीय, न किसी के स्वकीय। जो हमारा भक्त है उसी के हम सब कुछ। ये भजन जो नाम भक्त है मैते ते सुचाप्य हो। जो हमको पुत्र माने हम उनके पुत्र हैं, जो हमको माता माने हम उसके माता है, जो हमको पिता माने हम उसके पिता है, जो हमको बंधु माने हम उसके बंधु है। ये भजन जो तुमाम भक्त्या मैते तो सुचाते हम, जो लोग भक्ति से मुझको भजते हैं हम भी उनको भक्ति से भजते हैं, वो हमारे। इस प्रकार से तब उनके लिए जो त्याग चाहिए, जो भजन चाहिए, जो उत्कृष्ट भजन चाहिए, वो तो ब्रजवासी ही कर सकते, वो तो दूसरे कर नहीं सकते। इसलिए श्याम सुंदर ने ये ढंग रचा है कि कैसे हम ब्रज में पहुंच जाए, ब्रज में पहुंचने का ये ढंग रचा है छुटकारा पाने का। तो हम यहां से उद्धव द्वारा संदेश भेजते हैं, श्याम सुंदर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारा लोकोत्तर अनुराग, लोकोत्तर भक्ति आपके मंगलमय चरणारविंद में दिनों दिन बढ़ती जाए। हमको कुछ नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, धन धान्य नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपके मंगलमय चरणारविंद में निरंतर लोकोत्तर दिनों दिन भक्ति बढ़ती जाए। तो बस इस प्रकार से हमारी भावना सुनकर के कृष्ण ब्रज में चले आए। नंद बाबा ने निष्कर्ष निकाला उद्धव के उपदेश से, और कहा उद्धव ने उनका अभिप्राय नहीं समझा, उसका अभिप्राय ये है, न किंचित साधो धीरा भक्ता ही कांतिनो ममो वांछन्ति मया दत्तम कैवल्यम अपुनर्भवम। ये भगवान के एकांति भक्त है, साधु अंतर्मुख भगवत परायण, वो कुछ भी नहीं चाहिए। न किंचित साधो धीरा भक्ता ही कांतिनो ममो मया दत्तम अपुनर्भवम कैवल्यम अपुनर्भवम्। मैं दे रहा हूं कैवल्य ले लो, मोक्ष ले लो, लोगों पर आत्पर पर ब्रह्म पद प्राप्ति ले लो, वन्न बांछन की कुछ नहीं चाहिए, कैवल्य भी नहीं चाहिए। तो और तो कुछ चाहेंगे क्या? सर्वोत्कृष्ट कैवल्य अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, अति दुर्लभ है कैवल्य परम पद, उसको भी नहीं चाहते। तो इस प्रकार की लोकोत्तर भक्ति, भक्ति जिसकी होती है उसी की कृष्ण है, जिसमें भक्ति नहीं है वो कोई भी हो, सचमुच न भगवान उसके हैं न वो भगवान का। इसलिए ब्रज का चमत्कार इसी भक्ति में है। अब तू यहां जो है सो, अब गोपियों की बात आई, गोपियों ने दही मंथन शुरू किया। कौन गोपी थी? तो कहा विश्रम्भक प्रधाना, विश्रम्भक प्रधाना जो गोपी थी, जिनका एक विश्वास है कि कृष्णचंद्र परमानंद कंद कभी ब्रज से गए नहीं, उन्हीं विराजमान श्री कृष्ण हमारे समीप में है, श्री कृष्ण कभी गए नहीं, उसका ये भी भाव है
कि नंद बाबा से यशोदा रानी से उद्धव ने भगवान की व्यापकता का भी वर्णन किया। भगवान सब जगह सब प्राणियों के जैसे काष्ठ के भीतर अग्नि होता, मंथन करने से काष्ठ के भीतर अग्नि प्रकट हो जाती, उसी तरह से भगवान निर्गुण निराकार निर्विकार रूप से भी और सगुण साकार सच्चिदानंद घन रूप से भी सर्वत्र विराजमान। जिसने ध्यान रूपी मंथन किया, भक्ति से ध्यान रूपी मंथन किया, तो जैसे मंथन से काष्ठ में व्यापक अग्नि प्रकट हो जाता है, वैसे तो ध्यान योग से सर्वव्यापी सर्वांतर आत्मा भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते। तो भगवान सर्वत्र है, ज्ञानी को सर्वत्र दृष्ट गोचर होते हैं, अंतर्मुख भक्तों को भी सर्वत्र दिखाई देते हैं, जिसको नहीं दिखते हैं उसके दुर्भाग्य का फल है। दुर्भाग्य कारक के कारण ही भगवान नहीं दिखाई देते, ये नहीं कि भगवान है ही नहीं। नास्तिक कहते भगवान है ही नहीं, तो है ही नहीं है उनको जो भगवान का नास्तित्व प्रतीत होता है, ये उनके दुर्भाग्य का फल है। भगवान तो विद्यमान है, यहां तक कि हम कहा करते हैं भारतवर्ष में दो प्रकार के दार्शनिक हुए, एक आरंभ का दार्शनिक चारबाक, प्रारंभ का दार्शनिक चारबाक, वो कहता दुनिया में जो वस्तु दिखाई देती है वही है, वो दिखाई देती है वो है ही नहीं। जब दृष्टन तदेव सत, जब दृष्टन तद सदेव, वो वस्तु दृष्टिगोचर होती है, दृष्टि है वही सब कुछ है, जो दृष्टि नहीं वो बिल्कुल है ही नहीं। और अंतिम दार्शनिक शंकराचार्य हैं, वो कहते हैं जो कुछ भी है वो अदृश्य ही है, फिर से तो कुछ है ही नहीं, जो तुमको दिखती है चीज ना वो तो बिल्कुल ही नहीं, कुछ भी नहीं, जो तत्व है वो वही है जो अदृश्य, जो अदृश्य अदृश्य माने सर्वदृष्टा, जो सर्वदृष्टा है वो अदृश्य ही होता, क्योंकि दृष्टा कभी अपने दृश्य से दृष्ट नहीं होता। रूप दृश्य है, लोचन दृष्टा, रूप कभी लोचन को नहीं देख सकता, नेत्र तो रूप को देखेगा, तो क्या कभी ऐसा भी होगा कि रूप भी नेत्र को देखेगा? रूप तो नेत्र से दिखाई देता है, पर रूप से नेत्र नहीं दिखाई देता। जो आपको नेत्र दिखाई देता है तो गोलक है ही, नेत्र नहीं, इसलिए कई बीमारियां आंख की ऐसी होती है कि आंखें जो की तो बनी होती, उनको दिखाई नहीं देती कुछ भी, ये काला मोतिया हो जाने पर भी यही होता, नेत्र जो के तो बने दिखाई नहीं देते, क्योंकि सूक्ष्म जो अतीन्द्रिय नेत्र है उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई। इन जन दृष्टियों से जो सर्वदृष्टा है वो सर्व से दृश्य नहीं होता, किसी के द्वारा दृश्य नहीं होता, लोचन का दृष्टा, मन का दृष्टा, बुद्धि का दृष्टा, अहंकार का दृष्टा, कार्य का अनुसंधात का दृष्टा, सारे विश्व प्रपंच का दृष्टा, वो किसी के द्वारा दृश्य नहीं होता। इसलिए जो अदृष्ट है सर्वदृष्टा है वही तत्व है, जो दृश्य है भाष्य है कुछ ही, तो दोनों बात। इस रीति से भगवान श्री कृष्ण रूप में भी निराकार निर्विकार निर्गुण रूप से भी सर्वव्यापी सर्वांतर आत्मा सर्वत्र विराजमान, जिसने ध्यान रूपी मंथन किया उसी को भगवान का दर्शन होता है, जो ध्यान मंथन करने में असमर्थ है उसको भगवान का दर्शन नहीं। तो भगवान तुम्हारे पास है, भगवान को देखो, देखने की सामर्थ्य न हो तो सामर्थ्य प्राप्त करो, भगवान की इच्छा से भगवान का दर्शन होता है, भगवान की इच्छा, भगवान ने इच्छा किया मथुरा वासियों को
भगवान का प्रकाश हो गया, भगवान का दर्शन हो रहा। ब्रजवासियों को इस समय भगवान का प्रकाश नहीं हो रहा, स्वयं भगवान विराजमान यहां केवल अंतर्मुखता से देख लो। तो दूसरे मत प्रधान वाले जो भक्त हैं वो तो भगवान को सदा अपने पास देखते हैं, कभी भगवान का विरोग ही उनको अनुभूत नहीं होता, इसलिए उनको नहीं मतना सूझता और गाना सूझता गा रहे हैं। अरविंद लोचन भगवान का मंगलमय गुणगण का दान कर रहे हैं, भगवान के मंगलमय गुणगणों का दान कर रहे हैं। जो कृष्ण प्रेमावेश में, कृष्ण के प्रेम के आवेश में उनको कहा गाना सूझता है, कहा दही मतना सूझता है, दही का मंथन और दान ये उनको कुछ नहीं सूझ रहा। लेकिन जो विश्रम प्रधान है, इनका विश्वास है कि प्रभु हमारे पास हैं और उनको अपने विश्वास के अनुसार उनको कृष्ण का दर्शन होता है, कृष्ण का अनुभव होता है। यही लोग दही मंथन में लग रही है और दीपक जला करके वास्तु देवताओं की पूजा करके और दज मंथन में संलग्न हो गई, तो उनकी शोभा का वर्णन ताजीप दीप मणिभृद्ध नाना प्रकार के भूषण धारण किए हुए हैं। तो गोपसी मंत्री मणिमय भूषण है, मणिमय मणियों के, क्योंकि ब्रज में तो साक्षात लक्ष्मी सेविका बनकर रहती है, धन धान्य की कमी नहीं, रत्नों मणियों की कमी नहीं, इसलिए नाना प्रकार के दिव्य मणिमय भूषणों को धारण किए हुए गोपसी मंत्री दीप दीप तैर्मणिबिंदु। दीपक जो प्रज्वलित है ना, दीपों के द्वारा, दीपकों के द्वारा उनके भूषणों की जो मणियां हैं वो चमक उठी, दीपक जले तो उसके सामने जो मणि होती है अंग में पहनी हुई वो तो चमक उठती है। ऐसे कई मणि तो बिना दीपक के स्वयं प्रकाश युक्त होती है, सत्राजित की मणि दीपक की क्या हो, तो बिना दीपक के ही सूर्य के तुल्य प्रकाश होती थी, सूर्य के तुल्य प्रकाश से सत्राजित के, सत्राजित के समन तक मणि का प्रकाश था। परंतु सब मणियां ऐसी नहीं होती, पर हाँ दीपक के प्रकाश में तो सभी मणि चमक उठती हैं। तो दीप दीप्त मणिभृद्धु दीपकों के द्वारा जो दीप्त दीप्तमान जो मणियां मणि मणिगणों से युक्त भूषण उन भूषणों के द्वारा बिरोजी बुद्धरे युहु अत्यंत शोभा को प्राप्त हुई। वो गोपसी मंत्री गण दीप दीप्त मणियों के द्वारा सुशोभित हो रही, राजमान हो रही है, देदीप्तमान हो रही है। और रज्जूर विकर्षत भुजकम कर्ण सृजा, रज्जूर विकर्षत भुजेशु कंकराणाम कंकराणाम सृज किणव जासु ता गोपांगनाओं का विशेषण, रज्जूर्षत भुजकम कर्ण सृज दधमंथन में रज्जु खींच रही रस्सी, सामान्य थोड़ा मोटा छोटा मोटा दही तो वैसे ही मथानी से मत लिया जाता है, किंतु उन लोगों के बड़े बड़े भांड में बहुत दही होता था, हजारों गायें जिनकी होती थी और सैकड़ों मन दूध होता था, तो फिर उनका खाली बैठ करके बैठ करके दही मंथन थोड़ा ना होता, वो तो बड़े ऊंचे मंथान दंड हैं, तो खड़ी होकर के और रज्जू रज्जू खींचती हुई मथानी को चलाती, पर रज्जू को खींचते हुए जो भुज है उन भुजाओं में जो मणिमय दिव्य कंकण उत्तम रत्नों से युक्त जो कंकण है, कंकण नहीं कंकणों की माला, कंकणों की सृज सृज माने श्रेणियां, कंकणों की माला तो नहीं पहनी जाती, इसलिए वहां पर क्या नाम सृज शब्द का अर्थ श्रेणी में, श्रेणी में तात्पर्य माने कंकणों की श्रेणी
उनकी भुजा में, उनकी भुजाओं में कंकड़ों की श्रेणियां, माने उत्तमोत्तम भूषणों की श्रेणियां, उनकी भुजाओं में उत्तमोत्तम रत्नों से निर्मित कंकड़ों की श्रेणियां, पंक्तियां पंक्तियां, वो सब ऐसी ऐसी जो पांगना विकल्पु विकल्पु भुजेशु कंकराणाम सजा श्रेणय जासु गोपांगनासु ताह, रज्जुओं को खींचते हुए भुजाओं में अनेक प्रकार के कंकड़ों की श्रेणियां हैं जिन गोपांगनाओं, ऐसी गोपांगना ब्रिजु ब्रिजु में ही थे, इसलिए भी वो गोपांगना जो विद्यमान हुई विराजमान हुई सुशोभित हुई, और चलन्य तंबस्तन हार कुंडल सत्तपोलारुण कुंकुमानना, गजमंथन के समय, गजमंथन के समय चलंतो नितंबा और स्तनऊ और हारा और जो कुंडल कुंडलाभ्याम कुंडलाभ्याम तुसंतौ कपोल और अरुण कुंकुमानी आनने सु जासाम, कहने का मतलब उस गति मंथन काल में उनके अंग प्रत्यंग चंचल हो, नितंब भी चलता है, नितंब भी चलायमान है, स्तन भी चलायमान है, हार भी चलायमान है, मंथन के व्यापार से, मंथन के व्यापार से ये अमुक अमुक अंग इस प्रकार से चंचल हो रहे हैं, और जो कुंडल है बड़े दिव्य कुंडल है, कुंडलों के द्वारा देवी प्रमाण है कपोल जन, उनके कपोल जो है कुंडलों से देवी प्रमाण चमक रहे, और अरुण अरुण कुमकुम मानो बाल्मीक देश के बाल्मीक देश का कुमकुम अरुण होता है, अरुण होता है, तो जो अरुण कुमकुम है वो अरुण कुमकुम है जिनके मुख में, अरुण कुमकुम भी जिनके मुख में, इस तरह से चलंतो नितंबा और स्तना बहुवचन सर्वाभिप्रायण ले तो हारा और कुंडलाभ्याम संत कपोला कपोलों से लेकिन सामूहिक दृष्टि से कपोला और अरुण कुमकुमानी ये सब आननेशु यासाम, तो अलग अलग भी सब लगा सकते, जलंतो नितंबास तनाहा हाराश्च यासाम ताह जलन नितंबस तन हाराह, कुंडलाभ्याम तुसंत कपोला यासाम ताह तुसत कुंडल तुसत कपोला, और अरुण कुंकुमानी आननेशु यासाम ताह अरुण कुंकुमाननाह, अब सबको मिला दो, चलन नितंबस तन हाराश्च कुंडल तुसत कपोलाश्च अरुण कुंकुमाननाश्च, सब मिला करके चलन नितंबस तन हार कुंडल तुसत कपोला अरुण कुंकुमानना, ये इसका समस्त पद का रूप बन गया, तो अर्थात ऐसी गोपांगना जिनके चलत जिनके मंथन के कारण नितंबादि स्तनादि हारादि चंचल हो रहे हैं, कुंडलों के द्वारा जिनके कपोल दे दीप्तमान हो रहे हैं, अरुण कुमकुमों से युक्त युक्त जिनके मुख है, ऐसी गोपांगना अत्यंत शोभा को प्राप्त हुई ब्रिजु दे दीप्तमान हुई, ये इन पंक्तियों का अर्थ है।
मतलब यही हुआ कि इस प्रकार के जो विश्रम्भ प्रधाना गोपांगना है, ये भूषण भूषण अलंकार भी धारण करती हैं, कुमकुमारी को भी ग्रहण करती हैं और दरिबंधन आदि गृह कार्य भी करती हैं, संपूर्ण ब्रज के शोभा आभा प्रभा कांति उनके ही द्वारा हो रही है जो विश्रम्भ प्रधान है। नहीं तो ब्रज की शोभा ही मिल जाती, अगर वो बछड़े और गाने और सांड और वो बंसी बजाने वाले गोपाल, श्रृंग बजाने वाले गोपाल, नाना प्रकार का वाद्य गीत नृत्य परायण गोपाल ना हो तो ब्रज की शोभा क्या उनका कब हो सकता है, जब उनको विश्वास हो कि कृष्ण हमारे पास है, सदा कृष्ण का वियोग हुआ ही नहीं, कृष्ण का वियोग कभी हुआ ही नहीं, कृष्ण सदा हमारे पास है, ये बुद्धि जिनको है उन्हीं ये सब बात बन सकती है। जिनकी ये भावना है कृष्ण हमसे वियुक्त है, हम कृष्ण के विप्रयोग जन तीव्र ताप से संतप्त है, कृष्ण तो मथुरा चले गए हैं, उनके बिना हम कैसे जीवित रहेंगे, उनको तो न दही मथुरा सुहाता न भूषण धारण करना सुहाता न भोजन करना सुहाता, तो निरंतर कृष्ण के विप्रयोग जन तीव्र ताप में संतप्त है और कभी मूर्छित होते हैं तो कभी मूर्छा खुलती है, तो कभी नाना प्रकार के विलाप करते हैं, कभी रुदन करते हैं, कभी कभी प्रेम प्रेम के प्रमाद में जाने क्या का प्रलाप करते हैं, इस प्रकार की उनकी स्थिति होती है। तो लोकन व्यवहार ब्रज का जो संपूर्ण लोकन व्यवहार है वो विश्रम्भ प्रधान गोप गोपांगनाओं के द्वारा चलता है। विश्रम्भ प्रधान जो गाय और बछड़े और सांड और इन सब के द्वारा ब्रज की शोभा आभा प्रभा कांति बढ़ती है। इसी प्रकार से ब्रज के जो तरु हैं, लता हैं, गुल्म हैं और क्या नाम बनराजियां हैं, ये सब जो है सो अभिनेक प्रधान अंगराग वाली है, अभिनेक प्रधान अंगराग वाली एक बार कृष्ण की भावना से भावित हो गए, उनके अंतकरण अंतरात्मा और अणु अणु परमाणु परमाणु में श्री कृष्ण की भावना भरपूर हो गई, बस उसी प्रेम में सदा निमग्न है, फिर कृष्ण हमसे अलग हुए हैं या क्या है ये उनको कुछ भाषित नहीं कभी होता। उन तरुओं द्वारा, लताओं द्वारा, गुलमों द्वारा, बनराजियों द्वारा भी क्या ना मन की ब्रज की शोभा हो रही। उद्गायती नाम अरविंद लोचनम उच्च स्वरेण अरविंद लोचन मदन मोहन ब्रजेन्द्र नंदन श्याम सुंदर कृष्णचंद्र को ही गा रहे, उन्हीं के गुणों का, उन्हीं के चरित्रों का, उन्हीं की मंगलमयी लीलाओं का उच्च ईश्वर से गान कर रहे। गायन तो गो तो जनता निरागा गोविंद दामोदर माधवे की कूखले समृतंडुलांश्च संघटयंत्यो मुसले न गोप्य उरूखल में तंडुल धर रखा है, धान धान धर रखा है उरूखल में, मुसल से उसको संघटन कर रही है और प्रेमानुराग में तन्मय हो गई है और गोविंद दामोदर माधव का गान कर रही। पूरी तरह से दधी मथने के लिए मंथान दंड गंध सब कुछ लिया है, रस्सी वस्सी बांधा है और मथने को तैयार हुई है, प्रेम आनंद में दुर्बल हो गई है, विभोर हो गई है, कृष्ण गुणगान में तल्लीन हो गई। उद्गायती नाम अरविंद लोचनम ब्रजांगना नाम देवमस्पृश ध्वनि कहते हैं अरविंद लोचनम उद्गायती नाम ब्रजांगना नाम उद्गान रूपो ध्वनि दिवम अस्पृशत अपने मदन मोहन श्याम सुंदर अरविंद लोचन का मंगलमय गुणगण परम पवित्र चरित्र उच्च ईश्वर से गान करती हुई जो गोपांगना है उन गोपांगनाओं का जो उद्गान की ध्वनि, उद्गान की जो ध्वनि, वो ध्वनि दो मंडल में आकाश मंडल में गूंज गई है, आकाश मंडल उससे व्याप्त हो रहा है, क्योंकि एक गोपांगना थोड़े न थे बहुत गोपांगना, कहीं बाजार होती है, बाजार लगी होती है ना, बाजार में पहुंच जाओ तो नहीं मालूम पड़ता
बाजार से बाहर रहो। वहां से बड़ा उसका ऊंचा नाद सुनाई पड़ता है, बाहर दूर से सुनो। तो जैसे कोई मेला लगा हो, बड़ा मेला, और दूर से सुनो तो उसका अद्यक्त ऊंचा शब्द दूर तक फैला होता है, और उसके भीतर प्रवेश हो जाओ तब वो सुन नहीं पड़ता, फिर तो वही कोलाहल में हो शामिल। इसी प्रकार से यहाँ अपरिमित गोपांगना है, अपरिमित गायें हैं, अनंत अनंत दूध है, दही है, मक्खन है, और मंथन दंड है, और मंथन की पद्धति है, लीला है, और वो उद्गान है श्री कृष्ण का गुणगान। तो इस सब उद्गान की ध्वनि, उसमें आगे लिखा है उस उद्गान की ध्वनि में दधिमंथन के शब्द भी मिश्रित है, दधिमंथन के भी शब्द जो है उस उद्गान की ध्वनि में मिला हुआ। इस तरह से दधिमंथन का निनाद और गोदोहन का भी अभिरव, इसे कहा गोदोहाभिरवम, गोदोहन का भी जो अभिरव माने अजराम, अजराम निनाद, तो गौ के दोहने का अजराम निनाद और दधिमंथन का अजराम निनाद और गोपांगनाओं के उद्गान का जो अजराम निनाद, ये मिश्रित निनाद दो मंडल में फैल गया। जो मत प्रसद ध्वनि क्यों वर्णन है इसका, क्यों वर्णन है इसका, कहते दघनश्च निर्मंथन शब्द मिश्रितो, दघनश्च निर्मंथन शब्द मिश्रितो घनस्य तेजेन दिशाम मंगलम। तो अरविंद लोचन भगवान के उद्गान का जो दिव्य ध्वनि है और दधि के मंथन की भी जो ध्वनि है, उससे विस्तृत ये निनाद ऐसा अद्भुत निनाद है, निरस्ते जिन दिशा अमंगलम, जिसे दिशाओं विदिशाओं के जो अमंगल है वो अमंगल दूर हो जाते, क्योंकि भगवत गुणगान से अमंगल यही दूर हो जाता है। ब्रज भक्तों के गोप गोप सुमंत्री जनों के भगवत गुणगान जनित दिव्य ध्वनि से, और जो गौए साक्षात भगवान की परम प्रिय उपास्य देव उनके दुग्ध दधि के मंथन से जो निनाद उत्पन्न होता है, वो दधि मंथन निनाद मिश्रित जो गोपांगनाओं के उद्गान का दिव्य ध्वनि है, उसके द्वारा दिशाओं विदिशाओं के सब अमंगल दोष दारिद्र सब दूर हो जाते, इसलिए उनका वर्णन है। जो ऐसे ब्रज का ध्यान करते हैं, ऐसे निनाद का ध्यान करते हैं, उनके भी अमंगल दूर हो जाते हैं, उनके भी दारिद्र अनिश्वर रूप दोष दूर हो जाते हैं। इस अभिप्राय से सुखदेव जी इसका वर्णन करते हैं। और परीक्षित जी सुनते नहीं, जिसको कल मरना है परसों मरना है, वो खामखा कोई तोता मैने का कहानी सुनेगा, लैला मजनू की कहानी सुनेगा, उसको मालूम है कि कल हमको मरना है, वो तो ऐसी बात सुनेगा जिससे कल मोक्ष हो जाने वाला, बेड़ा पार हो जाने वाला, जन्म मरण की परंपरा खत्म हो जाने वाली हो, दरिद्रता दीनता परतंत्रता आदि व्याधि शोक संताप सदा के लिए मिट जाना हो, ऐसी बात को सुनेगा। तो इसी प्रकार की बात है, तभी सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, तभी राजा परीक्षित जी बड़े प्रेम से इसको सुन रहे। हरेक चिंतन का, हरेक मनन का, हरेक श्रवण का अर्थ होता है। कोई चिंतन, कोई मनन, कोई श्रवण निरर्थक नहीं होता, सबका अर्थ होता है। अरे उत्तम स्वप्न भी भाग्य से होता, स्वप्न झूठी चीज है, सच्ची चीज नहीं है, स्वप्न सच्ची चीज नहीं है, तो भी स्वप्न भी अच्छा और बुरा होता है। कोई स्वप्न होता है जिसके बाद में मन प्रसन्न हो जाता है, जगते हैं बड़ी देर तक मन में प्रसन्नता छाई रहती, और कोई स्वप्न ऐसा बुरा होता है कि जगने के बाद भी शरीर कांप जाता है, हाय राम क्या बात थी, ऊंट ने पीछा कर रखा है, भैंसा ने पीछा कर रखा है,
और वो जो सांप ने सीधा कर रखा है वो प्रेत जो रख रहे हैं वो करता हुआ चिल्ला रहा है सोने में नींद में। क्या बात, तो प्रेत है तो झूठा ही, लेकिन ऐसा झूठा बवाल है कि मस्तिष्क खराब हो जाता है और दिन भर घंटों खराब रहता है, शरीर कांपता जग जाने पर भी कांपता रहता। और कई स्वप्न में भगवान श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन आ गए, उनका दर्शन हो गया, भगवान के मंगलमय मुख चंद्र का दर्शन हुआ, उनके पादार बिंद की दक्षमण चंद्रिका का दर्शन हुआ, दामिनी दूत विनंदक पीताम्बर का दर्शन हुआ, भगवान के अनंत सौंदर्य माधुर सौरस सौगंध का रसास्वादन स्वप्न में किया। तो जब गए तो भी होता भाई थोड़ा और आंख में चले, यही दिखता है तो अच्छा, जरा और आंख में चले, जरा और आंख में चले, ऐसा स्वप्न होता। तो मिथ्या वस्तु में भी शुभ अशुभ की बात होती है, तो शुभ को अशुभ, ये भी क्यों होता है शुभ अशुभ दर्शन, अशुभ स्वप्न शुभ स्वप्न क्यों होता है? शुभ कर्मों से ही शुभ स्वप्न होता है, अशुभ कर्मों से अशुभ स्वप्न होता है, उसमें भी पुण्य पुण्य का प्रश्न है, पुण्य पुण्य का प्रश्न है, बिना पुण्य पुण्य के मनमानी अच्छा स्वप्न बुरा स्वप्न नहीं हो जाता, उसमें भी जिधर जब मनमानी भला स्वप्न बुरा स्वप्न नहीं होता तो दुनिया का दर्शन श्रवण स्मरण ये मनमानी कैसे होगा? इसमें भी अच्छा दर्शन हो, अच्छा श्रवण हो, अच्छा मनन हो, ये तुम पुण्यों का